want a lawyer. बैठ, वरना जिंदगी भर उठ नहीं पाएगी. You're not allowed to touch me. पुलिस कस्टडी में सभी इक्वल होते हैं. अपना महिला अगर क्रिकेट पर बनी फिल्मों की बात की जाए तो सिल्वर स्क्रीन पर ऐसी फिल्म वैसा जादू नहीं बिखर पाई जो असली मैदान में नज़र आता है. इमरान हाशमी स्टार अजहर फ्लॉप रही, भले ही वह एक बायोपिक फिल्म रही हो. वही क्रिकेट थीम पर बनी दूसरे नामी स्टार की भी आधा दर्जन के करीब फिल्में भी कुछ खास नहीं कर पाई. शायद यही वजह है कि भारी बजट में बनी इस फिल्म में डायरेक्टर ने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग से लेकर करप्शन सहित ऐसे तमाम मसालों को फिट किया है जो बॉक्स ऑफिस पर इसे हिट कराने का दम रखते हैं. यह फिल्म जॉन अब्राहम के करियर के लिए भी खास थी. वेलकम बैक के बाद जॉन लंबे अरसे से एक अदद हिट को तरस रहे थे. वही करीब 4 साल पहले आई गली गली में चोर है कि नाकामी के बाद अब सिल्वर स्क्रीन पर नज़र आए अक्षय खन्ना भी डिसम से अपनी सेकंड इनिंग शुरू कर रहे थे. अक्षय खन्ना एक बार फिर खलनायक के किरदार में थे. इसमें इससे पहले वह हमराज में नेगेटिव किरदार निभा चुके थे. जहां तक डिसम की बात है तो UAE के शानदार लोकेशंस हेलीकॉप्टर पर जॉन अब्राहम और वरुण धवन के साथ फिल्माए गए हैं. कई हैरतअंगेज एक्शन सीन इस फिल्म की USP है. परिणीति चोपड़ा अपना वजन घटाने के बाद इस फिल्म में वरुण के साथ डांस करती नजर तो आई थी, लेकिन उनकी एंट्री बेहद हल्की और कमज़ोर रही थी. चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है. UAE में भारतीय क्रिकेट टीम के नंबर 1 बैट्समैन विजय शर्मा यानी साकिब सलीम की किडनैपिंग हो जाती है. दिल्ली से स्पेशल टास्क फोर्स के जाबाज अफसर कबीर शेरगिल यानी जॉन अब्राहम को वहां विराज को किडनैपर से सुरक्षित रिहा कराने के सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है. UAE में कबीर वहां की पुलिस से ड्यूटी कर रहे जुनैद अंसारी यानी वरुण धवन को अपने साथ इस मिशन में शामिल करता है. UAE पुलिस के आला अफसरों की नज़र में जुनैद किसी काम का नहीं, लेकिन कबीर को पहले ही मुलाकात में लगता है कि जुनैद उसके लिए काम का आदमी हो सकता है, इसलिए वह उसे अपने इस सीक्रेट मिशन में शामिल कर लेता है. दरअसल कबीर विराज का पता लगाने के साथ साथ वहां 36 घंटे बाद होने वाले क्रिकेट मैच में शामिल फिक्सिंग गिरोह को
भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। अबुधाबी में कबीर और जुनैद की मुलाकात इसका यानी जैकलिन फर्नांडिस से होती है, जो मोबाइल उड़ाने वाले गिरोह से जुड़ी है। इसका को पूछताछ के लिए कबीर और जुनैद पुलिस कस्टडी में लेते हैं। कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इस केस में लगे कबीर पहले अल्ताफ यानी राहुल दो और इसके बाद केस की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते राहुल यानी अक्षय खन्ना तक पहुंचते हैं। चलिए बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। अक्षय खन्ना कई साल बाद इस फिल्म में नजर आए और अपने जीवंत अभिनय से छा गए। वही जान अब्राहम और वरुण धवन के इर्द गिर्द घूमती कहानी में जान एक्शन सीन में वरुण पर भारी नजर आए। वरुण धवन पहले भी ऐसे कई सीन निभा चुके थे, फर्क बस इतना था इस बार वह पुलिस वाले बनकर सामने आए थे, वरना उनकी एक्टिंग में नया कुछ नहीं था। कहानी में जैकलिन के किरदार के लिए कुछ खास नहीं है। वही अक्षय कुमार ने अपने दोस्त जान अब्राहम की खातिर इस फिल्म में चंद मिनट का कैमियो किया है। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन की। रोहित धवन को इस फिल्म के लिए कमजोर स्क्रिप्ट मिली। ऐसा लगता है कि डिसम के स्क्रिप्ट राइटर यशराज बैनर की धूम के जादू में उलझे रहे और किरदारों व स्क्रिप्ट को दमदार बनाने पर ध्यान नहीं दे पाए। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों देखें। जान अब्राहम पर फिल्माए गए एक्शन और स्टंट सीन्स, वरुण धवन की मस्ती, जैकलिन और नरगिस फाकरे की खूबसूरत अदाओं के साथ साथ अक्षय खन्ना का दमदार कमबैक फिल्म की यूएसपी है। कहानी में नयापन नहीं है। इस फिल्म का बैनर है नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट इरोज इंटरनेशनल। इसके निर्माता हैं साजिद नडियाडवाला, सुनील एलुल्ला। इसके निर्देशक हैं रोहित धवन, जोनर एक्शन और संगीतकार हैं इसमें प्रीतम चक्रवर्ती। इसमें गीतकार हैं जोनिता गांधी, अमित मिश्रा, रफ्तार, शाहिद माल्या, अंतरा मित्र, अमन त्रिखा, अभिजीत संवाद, अदित सिंह शर्मा, नकस अजीजा, मिका सिंह, सैफ अली अलसरेज। बतौर निर्देशक रोहित धवन की बी टाउन इंडस्ट्री में यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले रोहित ने देसी बॉयज का निर्देशन किया था, जो बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। जहां तक उनकी डिसम का सवाल है तो इस फिल्म में उन्होंने एक्शन का धमाकेदार तड़का लगाने की पूरी कोशिश की थी और उन्हें भरोसा था कि यह फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी। कहानी 2 घंटे 4 मिनट की फिल्म की कहानी एक स्टेडियम से शुरू होती है, जहां इंडिया का बेस्ट क्रिकेटर विराट शर्मा यानी साकिब सलीम अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से हारा हुआ मैच जीत जाता है। वह इंडिया का स्टार बल्लेबाज होता है और अगले 36 घंटे में इंडिया का फाइनल मैच पाकिस्तान से होता है। फिर अचानक वह अपने रूम से लापता हो जाता है। इसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड समेत भारत सरकार सभी टेंशन में आ जाते हैं। फिर एक सरफिरे का वीडियो सामने आता है, जिसमें वह फाइनल मैच कैंसिल न करने की चेतावनी देता है और भारत सरकार को धमकी देता है कि अगर इंडिया पाक का फाइनल मैच रद्द हुआ तो वह विराज को मार देगा। अब भारत सरकार विराज को ढूंढने के लिए इस टास्क फोर्स के होनहार अफसर कबीर यानी जान अब्राहम को सऊदी भेजती है। वहाँ का कानून अलग होता है, लेकिन कबीर अपने ही स्टाइल में अपने केस को हैंडल करना चाहता है। इसके लिए वह वहाँ की पुलिस में नया ज्वाइन हुआ जुनैद यानी वरुण धवन का साथ लेता है। अब विराज को ढूंढने के लिए इनके पास सिर्फ 36 घंटे ही होते हैं। फिर सैम यानी अक्षय कुमार की मदद से कबीर और जुनैद एक जगह पहुँचते हैं। वह उन्हें मोबाइल चोर इसका जैकलिन फर्नांडिस मिलती है। इसका की मदद से फिर दोनों उस सरभिरे को ढूंढ निकालते हैं। इसके बाद पता चलता है कि वह सिर्फ एक एक्टर है, ना कि किडनैपर। रहस्य और गहरा हो जाता है कि आखिर असली किडनैपर कौन है। इसी के साथ फिल्म दिलचस्प मोड़ लेते हुए कहानी आगे बढ़ती है और कबीर जुनैद असली किडनैपर को ढूंढ लेता है। वरुण धवन और जान अब्राहम ने अपनी अपनी भूमिकाओं को बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से निभाया है। साथ ही दोनों एक दूसरे का गजब साथ देते हुए दिखाई दिए हैं। जैकलिन फर्नांडिस अपने किरदार में गजब दिखाई दी है। वह एक मोबाइल चोर के रूप में फिट दिखी। अक्षय खन्ना और राहुल देव ने अभिनय में निखार लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, जिसमें अक्षय वाघा के रोल में कई मायनों में सटीक दिखाई दिए। महेंद्र अमरनाथ व विजय राज भी अपने अपने किरदार में ठीक ही रहे। साकिब सलीम ने विराज का रोल बखूबी निभाया है। इसके अलावा नरगिस फाकरी और अक्षय कुमार अपने कुछ देर की भूमिका में ही अपने अलग अंदाज में दिखाई दिए। साथ ही जीरो फिगर में परिणीति चोपड़ा का आइटम नंबर भी बेहतर रहा। चलिए बात करते हैं निर्देशन की।
रोहित धवन ने इस फिल्म में अपने अंदाज में एक्शन को परोसने का हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने इस एक्शन फिल्म के निर्देशन की कमान बाखूबी संभाली थी। उन्होंने फिल्म में एक्शन का धमाकेदार तड़का तो जरूर लगाया था, लेकिन कहीं कहीं वह थोड़ा और भी बेहतर कर सकते थे। एक्शन के मामले में तो रोहित ने वाकई में कुछ अलग कर दिखाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वह ऑडियंस की वाहवाही लूटने में कुछ हद तक सफल रहे थे। फिल्म की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन इंटरवल तक आते आते ऑडियंस थोड़ी बोर होती दिखाई दी थी। सेकंड हाफ में भी फिल्म की कहानी अपने पस से इधर उधर डगमगाती नजर आई थी। बहरहाल तो मुन्ना भाई होगा, लेकिन मैं सिरकट नहीं। थकना मरने से बेहतर है, मैं कुछ एक डायलॉग सही रहे, लेकिन एक टेक्नोलॉजी और सिनेमेटोग्राफी की बात छोड़ दी जाए तो इस फिल्म की कमर्शियल में कुछ नया कर दिखाने की कमी सी महसूस हुई थी। वो जिस तरह के संगीत के लिए जाने जाते हैं वह डिसुम में कहीं नज़र नहीं आया। एक दो गीत छोड़कर सभी गानों में कोई असर नहीं है। चलिए बात करते हैं आप इसे क्यों देख सकते हैं। वरुण धवन, जॉन अब्राहम और जैकलिन फर्नांडिस के अभिनय से सजी फिल्म डिसुम शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसे एक मसाला फिल्म कहा जा सकता था। इसमें बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और आइटम नंबर का जबरदस्त तड़का लगाया गया था। रोहित धवन के निर्देशन में बनिया दूसरी फिल्म है। इससे पहले वह देसी बॉयज भी बना चुके थे। यह फिल्म पिछले काफ़ी वक्त से चर्चा में थी, इसकी वजह से अक्षय खन्ना का 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करना था। अक्षय कुमार का फिल्म में कैमियो और परिणीति चोपड़ा का आइटम नंबर इसमें था। कहानी, फिल्म की कहानी अगवा किए गए शख्स विराज सरमानी शकीब सलीम के इर्द गिर्द घूमती है। विराज टॉप इंडियन बैट्समैन है, जिसका ऑडियंस पाकिस्तान के मैच के से ठीक पहले किडनैप हो जाता है। इसके बाद उन्हें ढूंढने की जिम्मेदारी तो पुलिस ऑफिसर कबीर शेरगिल यानी जॉन अब्राहम और जुनेद अंसारी यानी वरुण धवन को दी जाती है। इन दोनों के पास विराज को ढूंढने के लिए केवल 36 घंटे का ही वक्त होता है। विराज की तलाश में फिल्म की कहानी कई दिलचस्प मोड़ के साथ आगे बढ़ती है। इस बीच यह जानना काफ़ी रोचक हो जाता है कि क्या कबीर और जुनेद विराज को ढूंढ पाते हैं। मैच से ठीक पहले आखिर विराज का किसने अपहरण किया होगा, ऐसे कई सवाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने सोशल मीडिया पर वरुण धवन और जॉन अब्राहम के साथ एक वीडियो शेयर किया है। जैकलिन फर्नांडिस आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि चर्चा में आ जाते हैं। जैकलिन सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इस वीडियो में जैकलिन फर्नांडिस के साथ वरुण धवन और जॉन अब्राहम नज़र आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए जैकलिन फर्नांडिस ने लिखा, जैकलिन की फिल्म डिसुम के 3 साल पूरे होने पर उन्हें वीडियो शेयर किया है। हाल ही में जैकलिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस वीडियो में जैकलिन फर्नांडिस बीट पर डांस करते हुए नजर आ रहे थे। डिसुम इज 2016 इंडियन हिंदी लैंग्वेज बुडी को एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय रोहित धवन, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला एंड रिटन बाय रोहित धवन एंड तुषार हीरानंदिनी। द फिल्म स्टार्स जॉन अब्राहम, रोहित धवन एंड जैकलिन फर्नांडिस अलोंगसाइड अक्षय खन्ना एज द एनर्जी मार्किंग इज द कमबैक टू एक्टिंग आफ्टर 4 ईयर ब्रेक। डिसुम रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन 29 जुलाई 2016। इट वॉज द कमर्शियली सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस, अर्निंग मोर देन 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड। डायरेक्टेड बाय रोहित धवन, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला, रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले रोहित धवन, तुषार हीरानंदिनी, डायलॉग्स हुसैन दलाल, स्टारिंग जॉन अब्राहम, वरुण धवन, जैकलिन फर्नांडिस, अक्षय खन्ना, साकिब सलीम, म्यूजिक बाय प्रीतम एंड स्कोर अभिजीत वाग्नि, सिनेमेटोग्राफी बाय अन्यांका बैस एंड एडिटिंग बाय रितेश सोनी, प्रोड्यूसर कंपनी नडियाड ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इरोज इंटरनेशनल। रिलीज डेट 29 जुलाई 2016। रनिंग टाइम 124 मिनट। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट ऑफ दिस फिल्म 45 करोड़ रुपीज एंड बॉक्स ऑफिस क्लब 150 करोड़ रुपीज। आई टॉक अबाउट प्लॉट ऑफ दिस फिल्म। ड्यूरिंग ए क्रिकेट टूर्नामेंट्स इन द मिडिल ईस्ट, 24 hours पीरियड टू द फाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया टॉप क्रिकेटर विराज शर्मा, साकिब सलीम, गोन इन द मिसिंग इंडियन ऑथराइज्ड गेट द वीडियो टैप एंड अननोन मैन क्लेमिंग टू हैव द अडॉप्ट विराज टिल द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच टू डेज लेटर एंड रीडिंग देन टू नॉट द कैंसल्ड द मैच। Attempting to avoid media outrage, the Gayatri Shubh Mishra, Mona
अभेस्कर टू द एक्सटर्नल अफेयर्स द मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंट्स स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर कबीर सैरगिल आईपीएस जॉन अब्राहम यूएई फॉर 36 आवर मंथ आफ्टर बींग रिसीव्ड बाय द गेटिंग इन टू द सेमी सफल विद द लोकल ऑफिसर सिद्ध नावी तरुण खन्ना कबीर हुई सी द नो नॉन सेंस कॉप एंड बम्प इन टू द रोकी इन टू द इमारती पुलिस ऑफिसर जुनेद अंसारी वरुण धवन हु वॉज द नेवर बीन एबल टू सॉल्व टू द केस बट हैज टू द गुड नॉलेज ऑफ द टाउन विच इज द एक्वायर ड्यूरिंग द फर्स्ट इनकम्प्लीट केस ऑफ द फिंडिंग ए डॉग नेम्ड ब्रह्मांड बोथ कबीर एंड द जुनेद स्टार्ट देयर इन्वेस्टिगेशन विद द सीसीटीवी फुटेज ऑफ द बिराज होटल एंड फाइंड आउट दैट द नाइट ऑफ द डिसअपीयरेंस बिराज वेंट टू द लोकल गर्ल सिमलाल दलाल नरगिस फाकरी ऑन कन्फर्मिंग हर द रिवर्स दैट शी टुक बिराज एंड फ्रेंड्स बट पार्टी इज द लिफ्ट सून नेक्स्ट आई टॉक अबाउट प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन आई टॉक अबाउट फिल्मिंग द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फिल्म स्टार्टेड ऑन जून 27, 2015 एट द महबूब स्टूडियो वरुण धवन एंड जैकलिन फर्नांडिस ज्वाइन द सेट ऑफ द 4 July 2015 अबू धाबी वॉज द ऑल्सो फिल्मिंग लोकेशन प्रोडक्शन क्रू द ऑफिस अबू धाबी दे आर द डिबेट इज द इमर्शन 30% रिबेट सेम्स टॉक अबाउट क्रिटिकल रिव्यूज ऑन द रिव्यू अपग्रेड वेबसाइट Rotten Tomatoes the film was the rating of 56% based on the 9 review is the average 5.5 by 10 star. Now talk about the soundtrack of this film. The music for this film is the composed by Pritam. The lyrics have been the penned by the Kumar Mayurpuri and Abhishek Pandit. The music rights have been the Acuity series. The full music album was the released on 15 July 2016. First song is the सौ तरह के लिरिक्स बाय कुमार आशीष पंडित सिंगिंग बाय जोनिता गांधी अमित मिश्रा लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:58 सेकंड शाम 3rd December लिरिक्स बाय मयूरपुरी सिंगिंग बाय रफ्तार सजीत मलयान एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 4:03 द थर्ड सॉन्ग जाने मन आ वर्जन फर्स्ट लिरिक्स बाय मयूरपुरी सिंगिंग बाय अमन त्रिखा अंतरा मित्रा एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:50 द फोर्थ सॉन्ग सौ तरह के इज द रिवेस्टेड लिरिक्स बाय मयूरपुरी एंड सिंगिंग बाय अभिजीत स्वाद आदि सिंह शर्मा एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:59 द फिफ्थ सॉन्ग जाने मन अवा वर्जन 2 लिरिक्स बाय मयूरपुरी एंड सिंगिंग बाय नकाश अजीज एंड अनंतरा मिश्रा लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:50 द सिक्स्थ सॉन्ग इसका लिरिक्स बाय कुमार एंड सिंगिंग बाय अभिजीत स्वात एंड अंतरा मिश्रा लेंथ ऑफ द सॉन्ग 2:47 द सेवन सॉन्ग सुबह होने ना दे इन द रिमिक्स लिरिक्स बाय कुमार एंड सिंगिंग बाय मिका सिंह बोहेमिया सेफली अवार्ड्स द लेंथ ऑफ द सॉन्ग 4:59 टोटल लेंथ ऑफ द सॉन्ग 27:40 डिसो मिजे 2016 इंडियन हिंदी लैंग्वेज बुडी को एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय रोहित धवन प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला एंड रिटन बाय रोहित धवन एंड तुषार हीरानंदनी द फिल्म स्टार्स जॉन अब्राहम धवन एंड जैकलिन फर्नांडिस अलोंगसाइड अक्षय खन्ना एज द नरसिम मार्किंग इज द कमबैक टू एक्टिंग आफ्टर 4 year ब्रेक डिसम रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन 29 July 2016 इट वॉज द कमर्शियली सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस अर्निंग मोर देन 150 crore वर्ल्ड वाइज डायरेक्टेड बाय रोहित धवन प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले रोहित धवन तुषार हीरानंदनी डायलॉग्स हुसैन दलाल स्टारिंग जॉन अब्राहम वरुण धवन जैकलिन फर्नांडिस अक्षय खन्ना साकिब सलीम म्यूजिक बाय प्रीतम एंड स्कोर अभिजीत वाग्नी सिनेमेटोग्राफी बाय अन्यांका बैस एंड एडिटिंग बाय रितेश सोनी प्रोड्यूसर कंपनी नडियाड ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इरोज इंटरनेशनल रिलीज डेट 29 July 2016 रनिंग टाइम 124 मिनट कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट ऑफ दिस फिल्म
45 crore rupees and box office clocked 150 crore rupees. Now I talk about the plot of this film. During a cricket tournament in the Middle East, 24 hours period to the final match between India and Pakistan, India top cricketer Virat Sharma, Shakib Salim, gone in the missing Indian, authorized to get the video tape and unknown. A man claiming to have the adduct Virat still the India vs Pakistan cricket match two days later and reading then to not cancel the match. Attempting to avoid media outrage, the Gayatri Subh Mishra Mona Abhiskar to the External Affairs, the Minister of India, sends Special Task Force Officer Kabir Sergil, IPS Jonah Abraham, UAE for 36-hour manhunt. After being received by the getting into the semi, shuffle with the local officer Sajid Navi Tarun Khanna, Kabir, who is the no-nonsense cop and bump into the rocky into the Imarti. Police officer Junaid Ansari Varun Dhawan, who was the never been able to solve to the case but has to the good knowledge of the town, which is acquired during the first incomplete case of the finding a dog named Brahmad. Both Kabir and the Junaid started their investigation with the CCTV footage of the Viraj Hotel and found out that the night of the disappearance, Viraj went to the local girl Simlal Dalal, Nargis Fakhri, on conferring her the reveals that she took Viraj and friends birthday party is the left soon. Next, I talk about production. In the production, I talk about filming. The first schedule of the film started on June 27, 2015 at the Mehboob Studio. Varun Dhawan and Jacqueline Fernandez joined the set of the 4th July 2015. Abu Dhabi was the also filming. Location products include the options Abu Dhabi. There, the debris is the immersion 30% rebate seems. Now talk about critical reviews. On the review upgrade website Rotten Tomatoes, the film was the rating of 56% based on the 9 review is the average 5.5/10. Now talk about the soundtrack of this film. The music for this film is the composed by Pritam. The lyrics have been the penned by the Kumar Mayurpuri and Abhishek Pandit. The music rights have been the Acuity series. The full music album was the released on 15 July 2016. First song is the Sautra Ke, lyrics by Kumar Ashish Pandit, singing by Junita Gandhi, Amit Mishra. Length of the song 3:58. Second song Todisham, lyrics by Mayur Puri, singing by Raptar Sajit Malian, and length of the song 4:03. The third song Jane Man A version first, lyrics by Mayur Puri, singing by Aman Trikha Antra Mitra, and length of the song 3:50. The fourth song Sautra Ke is the revised lyrics by Mayur Puri and singing by Abhijit Swat, Adish Singh Sharma, and length of the song 3:59. The fifth song Jane Man Awa version 2, lyrics by Mayur Puri and singing by Nakas Achiz and Anantra Mishra. Length of this song 3:50. The sixth song Iska, lyrics by Kumar and singing by Abhijit Swat and Antra Mishra. Length of this song 2:47. The seventh song Subha Hone Na De in the remix, lyrics by Kumar and singing by Mika Singh. Bohemia Safely Awards, the length of this song 4:59. Total length of this song 27:40. अगर क्रिकेट पर बनी फिल्मों की बात की जाए तो सिल्वर स्क्रीन पर ऐसी फिल्म वैसा जादू नहीं बिखर पाई जो असली मैदान में नज़र आता है। इमरान हाशमी स्टारर अजहर फ्लॉप रही, भले ही वह एक बायोपिक फिल्म रही हो, वही क्रिकेट थीम पर बनी दूसरे नामी स्टार की भी आधा दर्जन के करीब फिल्में भी कुछ खास नहीं कर पाई। शायद यही वजह है कि भारी बजट में बनी इस फिल्म में डायरेक्टर ने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग से लेकर करप्शन सहित ऐसे तमाम मसालों को फिट किया है जो बॉक्स ऑफिस पर इसे हिट कराने का दम रखते हैं। यह फिल्म जॉन अब्राहम के करियर के लिए भी खास थी। वेलकम बैक के बाद
जान लंबे अरसे से एक आदत हिट को तरस रहे थे। वही करीब 4 साल पहले आए गली गली में चोर है की नाकामी के बाद अब सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए अक्षय खन्ना भी डिसम से अपनी सेकंड इनिंग शुरू कर रहे थे। अक्षय खन्ना एक बार फिर खलनायक के किरदार में थे। इसमें इससे पहले वह हमराज में नेगेटिव किरदार निभा चुके थे। जहां तक डिसम की बात है तो UAE के शानदार लोकेशंस हेलीकॉप्टर पर जान अब्राहम और वरुण धवन के साथ फिल्माए गए हैं। कई हैरतअंगेज एक्शन सीन इस फिल्म की USP है। परिणीति चोपड़ा अपना वजन घटाने के बाद इस फिल्म में वरुण के साथ डांस करती नजर तो आई थी, लेकिन उनकी एंट्री बेहद हल्की और कमज़ोर रही थी। चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है। UAE में भारतीय क्रिकेट टीम के नंबर 1 बैट्समैन विजय शर्मा यानी साकिब सलीम की किडनैपिंग हो जाती है। दिल्ली से स्पेशल टास्क फोर्स के जाबाज अफसर कबीर शेरगिल यानी जॉन अब्राहम को वहां विराज को किडनैपर से सुरक्षित रिहा कराने के सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है। UAE में कबीर वहां की पुलिस से ड्यूटी कर रहे जुनैद अंसारी यानी वरुण धवन को अपने साथ इस मिशन में शामिल करता है। UAE पुलिस के आला अफसरों की नज़र में जुनैद किसी काम का नहीं, लेकिन कबीर को पहले ही मुलाकात में लगता है कि जुनैद उसके लिए काम का आदमी हो सकता है, इसलिए वह उसे अपने इस सीक्रेट मिशन में शामिल कर लेता है। दरअसल कबीर विराज का पता लगाने के साथ साथ वहां 36 घंटे बाद होने वाले क्रिकेट मैच में शामिल फिक्शन गिरोह को भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। अबुधाबी में कबीर और जुनैद की मुलाकात इसका यानी जैकलिन फ्रांडिस से होती है, जो मोबाइल उड़ाने वाले गिरोह से जुड़ी है। इसका को पूछताछ के लिए कबीर और जुनैद पुलिस कस्टडी में लेते हैं। कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इस केस में लगे कबीर पहले अल्ताफ यानी राहुल दो और इसके बाद केस की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते राहुल यानी अक्षय खन्ना तक पहुंचते हैं। चलिए बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। अक्षय खन्ना कई साल बाद इस फिल्म में नजर आए और अपने जीवंत अभिनय से छा गए। वही जॉन अब्राहम और वरुण धवन के इर्द गिर्द घूमती कहानी में जान एक्शन सीन में वरुण पर भारी नज़र आए। वरुण धवन पहले भी ऐसे कई सीन निभा चुके थे, फर्क बस इतना था इस बार वह पुलिस वाले बनकर सामने आए थे, वरना उनकी एक्टिंग में नया कुछ नहीं था। कहानी में जैकलिन के किरदार के लिए कुछ खास नहीं है। वही अक्षय कुमार ने अपने दोस्त जॉन अब्राहम की खातिर इस फिल्म में चंद मिनट का कैमियो किया है। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन की। रोहित धवन को इस फिल्म के लिए कमजोर स्क्रिप्ट मिली। ऐसा लगता है कि डिसम के स्क्रिप्ट राइटर यशराज बैनर की धूम के जादू में उलझे रहे और किरदारों व स्क्रिप्ट को दमदार बनाने पर ध्यान नहीं दे पाए। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों देखें। जॉन अब्राहम पर फिल्माए गए एक्शन और स्टंट सीन्स, वरुण धवन की मस्ती, जैकलिन और नरगिस फाकरे की खूबसूरत अदाओं के साथ साथ अक्षय खन्ना का दमदार कमबैक फिल्म की USP है। कहानी में नयापन नहीं है। इस फिल्म का बैनर है नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट इरोज इंटरनेशनल। इसके निर्माता हैं साजिद नडियाडवाला, सुनील एलुल्ला। इसके निर्देशक हैं रोहित धवन, जोनर। एक्शन और संगीतकार इसमें प्रीतम चक्रवर्ती। इसमें गीतकार हैं जोनिता गांधी, अमित मिश्रा, रफ्तार, शाहिद माल्या, अंतरा मित्र, अमन त्रिखा, अभिजीत संवाद, अजीत सिंह शर्मा, नकस अजीजा, मिका सिंह, सैफ अली अलसरेज। बतौर निर्देशक रोहित धवन की बी टाउन इंडस्ट्री में यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले रोहित ने देसी बॉयज का निर्देशन किया था, जो बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। जहां तक उनकी डिसम का सवाल है तो इस फिल्म में उन्होंने एक्शन का धमाकेदार तड़का लगाने की पूरी कोशिश की थी और उन्हें भरोसा था कि यह फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी। कहानी 2 घंटे 4 मिनट की फिल्म की कहानी एक स्टेडियम से शुरू होती है, जहां इंडिया का बेस्ट क्रिकेटर विराज शर्मा यानी साकिब सलीम अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से हारा हुआ मैच जीत जाता है। वह इंडिया का स्टार बल्लेबाज होता है और अगले 36 घंटे में इंडिया का फाइनल मैच पाकिस्तान से होता है। फिर अचानक वह अपने रूम से लापता हो जाता है। इसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड समेत भारत सरकार सभी टेंशन में आ जाते हैं। फिर एक सरफिरे का वीडियो सामने आता है जिसमें वह फाइनल मैच कैंसिल न करने की चेतावनी देता है और भारत सरकार को धमकी देता है कि अगर इंडिया पाक का फाइनल मैच रद्द हुआ तो वह विराज को मार देगा। अब भारत सरकार विराज को ढूंढने के लिए इस टास्क फोर्स के होनहार अफसर कबीर यानी जॉन अब्राहम को सऊदी भेजती है। वहाँ का कानून अलग होता है, लेकिन कबीर अपनी ही स्टाइल में अपने केस को हैंडल करना चाहता है। इसके लिए वह वहाँ की पुलिस में नया ज्वाइन हुआ जुनैद यानी वरुण धवन का साथ लेता है।
अब विराज को ढूंढने के लिए इनके पास सिर्फ 36 घंटे ही होते हैं। फिर सह मैंने अक्षय कुमार की मदद से कबीर और जुनैद एक जगह पहुंचते हैं। वह उन्हें मोबाइल चोर इसका जैकलिन फ्रांडिस मिलती है। इसका की मदद से फिर दोनों उस सरभिरे को ढूंढ निकालते हैं। इसके बाद पता चलता है कि वह सिर्फ एक एक्टर है, ना कि किडनैपर। रहस्य और गहरा हो जाता है कि आखिर असली किडनैपर कौन है। इसी के साथ फिल्म दिलचस्प मोड़ लेते हुए कहानी आगे बढ़ती है और कबीर जुनैद असली किडनैपर को ढूंढ लेता है। वरुण धवन और जॉन अब्राहम ने अपनी अपनी भूमिकाओं को बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से निभाया है। साथ ही दोनों एक दूसरे का गजब साथ देते हुए दिखाई दिए हैं। जैकलिन फ्रांडिस अपने किरदार में गजब दिखाई दी है। वह एक मोबाइल चोर के रूप में फिट दिखी। अक्षय खन्ना और राहुल देव ने अभिनय में निखार लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, जिसमें अक्षय वाघा के रोल में कई मायनों में सटीक दिखाई दिए। मोहिंदर अमरनाथ व विजय राज भी अपने अपने किरदार में ठीक ही रहे। साकिब सलीम ने विराज का रोल बखूबी निभाया है। इसके अलावा नरगिस फाकरी और अक्षय कुमार अपने कुछ देर की भूमिका में ही अपने अलग अंदाज में दिखाई दिए। साथ ही जीरो फिगर में परिणीति चोपड़ा का आइटम नंबर भी बेहतर रहा। चलिए बात करते हैं निर्देशन की। रोहित धवन ने इस फिल्म में अपने अंदाज में एक्शन को परोसने का हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने इस एक्शन फिल्म के निर्देशन की कमान बखूबी संभाली थी। उन्होंने फिल्म में एक्शन का धमाकेदार तड़का तो जरूर लगाया था, लेकिन कहीं कहीं वह थोड़ा और भी बेहतर कर सकते थे। एक्शन के मामले में तो रोहित ने वाकई में कुछ अलग कर दिखाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वे ऑडियंस की वाहवाही लूटने में कुछ हद तक सफल रहे थे। फिल्म की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन इंटरवल तक आते आते ऑडियंस थोड़ी बोर होती दिखाई दी थी। सेकंड हाफ में भी फिल्म की कहानी अपने पद से इधर उधर डगमगाती नजर आई थी। बहरहाल तू मुन्ना भाई होगा, लेकिन मैं सिरकट नहीं। थकना मरने से बेहतर है। मैं कुछ एक डायलॉग सही रहे, लेकिन एक टेक्नोलॉजी और सिनेमेटोग्राफी की बात छोड़ दी जाए तो इस फिल्म की कमर्शियल में कुछ नया कर दिखाने की कमी सी महसूस हुई थी। वो जिस तरह के संगीत के लिए जाने जाते हैं वह डिसुम में कहीं नज़र नहीं आया। एक दो गीत छोड़कर सभी गानों में कोई असर नहीं है। चलिए बात करते हैं आप इसे क्यों देख सकते हैं। वरुण धवन, जॉन अब्राहम और जैकलिन फ्रांडिस के अभिनय से सजी फिल्म डिसुम शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसे एक मसाला फिल्म कहा जा सकता था। इसमें बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और आइटम नंबर का जबरदस्त तड़का लगाया गया था। रोहित धवन के निर्देशन में बनिया दूसरी फिल्म है। इससे पहले वह देसी बॉयज भी बना चुके थे। यह फिल्म पिछले काफ़ी वक्त से चर्चा में थी। इसकी वजह से अक्षय खन्ना का 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करना था। अक्षय कुमार का फिल्म में कैमियो और परिणीति चोपड़ा का आइटम नंबर इसमें था। कहानी, फिल्म की कहानी अगवा किए गए शख्स विराज सरमानी सकीब सलीम के इर्द गिर्द घूमती है। विराज टॉप इंडियन बैट्समैन है, जिसका ऑडियंस पाकिस्तान के मैच के से ठीक पहले किडनैप हो जाता है। इसके बाद उन्हें ढूंढने की जिम्मेदारी तो पुलिस ऑफिसर कबीर शेरगिल यानी जॉन अब्राहम और जुनैद अंसारी यानी वरुण धवन को दी जाती है। इन दोनों के पास विराज को ढूंढने के लिए केवल 36 घंटे का ही वक्त होता है। विराज की तलाश में फिल्म की कहानी कई दिलचस्प मोड़ के साथ आगे बढ़ती है। इस बीच यह जानना काफ़ी रोचक हो जाता है कि क्या कबीर और जुनैद विराज को ढूंढ पाते हैं। मैच से ठीक पहले आखिर विराज का किसने अपहरण किया होगा, ऐसे कई सवाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फ्रांडिस ने सोशल मीडिया पर वरुण धवन और जॉन अब्राहम के साथ एक वीडियो शेयर किया है। जैकलिन फ्रांडिस आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि चर्चा में आ जाते हैं। जैकलिन सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इस वीडियो में जैकलिन फ्रांडिस के साथ वरुण धवन और जॉन अब्राहम नज़र आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए जैकलिन फ्रांडिस ने लिखा, जैकलिन की फिल्म डिसुम के 3 साल पूरे होने पर उन्हें वीडियो शेयर किया है। हाल ही में जैकलिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस वीडियो में जैकलिन फ्रांडिस बीट पर डांस करते हुए नजर आ रहे थे। डिसुम इज 2016 इंडियन हिंदी लैंग्वेज बुडी को एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय रोहित धवन, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला एंड रिटन बाय रोहित धवन एंड तुषार हीरानंदिनी। द फिल्म स्टार्स जॉन अब्राहम, रोहित धवन एंड जैकलिन फ्रांडिस अलोंगसाइड अक्षय खन्ना एज द एनर्जी मार्किंग इज द कमबैक टू एक्टिंग आफ्टर 4 ईयर
ब्रेक डिसम रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन 29 जुलाई 2016। इट वॉज द कमर्शियली सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस अर्निंग मोर देन 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड। डायरेक्टेड बाय रोहित धवन, प्रोड्यूसर्ड बाय साजिद नडियाडवाला, रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले रोहित धवन, तुषार हीरानंदनी, डायलॉग्स हुसैन दलाल, स्टारिंग जॉन अब्राहम, वरुण धवन, जैकलिन फर्नांडीज, अक्षय खन्ना, साकिब सलीम, म्यूजिक बाय प्रीतम एंड स्कोर अभिजीत वाघनी, सिनेमेटोग्राफी बाय अन्यांका बैस एंड एडिटिंग बाय रितेश सोनी, प्रोड्यूसर कंपनी नडियाड ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई इरोज इंटरनेशनल। रिलीज डेट 29 जुलाई 2016। रनिंग टाइम 124 मिनट। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट ऑफ दिस फिल्म 45 करोड़ रुपीज एंड बॉक्स ऑफिस क्लब 150 करोड़ रुपीज। आई टॉक अबाउट प्लॉट ऑफ दिस फिल्म। ड्यूरिंग ए क्रिकेट टूर्नामेंट्स इन द मिडिल ईस्ट 24 hours पीरियड टू द फाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया टॉप क्रिकेटर विराट शर्मा, साकिब सलीम, गोन इज द मिसिंग इंडियन ऑथराइज्ड गेट द वीडियो टैप एंड अननोन मैन क्लेमिंग टू हैव द अडॉप्ट विराट स्टिल द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच टू डेज लेटर एंड रीडिंग देन टू नॉट द कैंसल्ड द मैच अटेम्प्टिंग टू अवॉइड मीडिया आउटरेज द गायत्री शुभ मिश्रा मोना अभेस्कर टू द एक्सटर्नल अफेयर्स द मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंट्स स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर कबीर सैरगिल IPS जॉन अब्राहम UAE फॉर 36 आवर मैं आफ्टर बींग रिसीव्ड बाय द गेटिंग इन टू द सेमी सफल विद द लोकल ऑफिसर सिद्दीक नावी तरुण खन्ना कबीर हुई सी द नो नॉन सेंस कप एंड बम्प इन टू द रोकी इन टू द इमारती पुलिस ऑफिसर जुनेद अंसारी वरुण धवन हु वॉज द नेवर बीन एबल टू सॉल्व टू द केस बट हैज टू द गुड नॉलेज ऑफ द टाउन विच इज द एक्वायर ड्यूरिंग द फर्स्ट इनकम्प्लीट केस ऑफ द फिंडिंग ए डॉग नेम्ड ब्रह्मांड। बोथ कबीर एंड द जुनेद स्टार्ट देयर इन्वेशन विद द CCTV फुटेज ऑफ द विराज होटल एंड फिंड आउट डेट द नाइट ऑफ द डिस्पेरेंस विराज वेंट टू द लोकल गर्ल सिमलल दलाल नरगिस फाकरी ऑन कन्फरिंग हर द रिवर्स डेट सी टुक विराज एंड फ्रेंड बट पार्टी इज द लिफ्ट सून। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट प्रोडक्शन। इन द प्रोडक्शन आई टॉक अबाउट फिल्मिंग। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फिल्म स्टार्टेड ऑन June 27, 2015 एट द महबूब स्टूडियो। वरुण धवन एंड जैकलिन फर्नांडीज ज्वाइन द सेट ऑफ द 4 July 2015। अबू धाबी वॉज द ऑल्सो फिल्मिंग लोकेशन। प्रोडक्शन क्रू द ऑफिस अबू धाबी देयर द डिबेट इज द इमर्शन 30% रिबेट सेम्स। टॉक अबाउट क्रिटिकल रिव्यूज। ऑन द रिव्यू अपग्रेड वेबसाइट Rotten Tomatoes the film was the rating of 56% based on the 9 review is the average 5.5/10. Now talk about the soundtrack of this film. The music for this film is the composed by Pritam. The lyrics have been the penned by the Kumar Mayurpuri and Abhishek Pandit. The music rights have been the Acuity series. The full music album was the released on 15 July 2016. First song is the सौ तरह के लिरिक्स बाय कुमार आशीष पंडित सिंगिंग बाय जोनिता गांधी अमित मिश्रा लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:58। सेकंड सॉन्ग थर्ड डिसम लिरिक्स बाय मयूर पुरी सिंगिंग बाय रफ्तार सजीत मलयान एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 4:03। द थर्ड सॉन्ग जाने मन आ वर्जन फर्स्ट लिरिक्स बाय मयूर पुरी सिंगिंग बाय अमन त्रिखा अंतरा मित्रा एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:50। द फोर्थ सॉन्ग सौ तरह के इज द रिवर्स्टेड लिरिक्स बाय मयूर पुरी एंड सिंगिंग बाय अभिजीत स्वाद आदि सिंह शर्मा एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:59। द फिफ्थ सॉन्ग जाने मन अवा वर्जन 2 लिरिक्स बाय मयूर पुरी एंड सिंगिंग बाय नकाश अजीज एंड अनंतरा मिश्रा लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:50। द सिक्स सॉन्ग इसका
है, लिरिक्स बाय कुमार एंड सिंगिंग बाय अभिजीत स्वात एंड अंतरा मिश्रा। लेंथ ऑफ द सॉन्ग 2:47। द सेवंथ सॉन्ग सुबह होने ना दे इन द रिमिक्स, लिरिक्स बाय कुमार एंड सिंगिंग बाय मिका सिंह। बोहेमिया सेफली अवार्ड्स। द लेंथ ऑफ द सॉन्ग 4:59। टोटल लेंथ ऑफ द सॉन्ग 27:40। डिसो मिजे 2016 इंडियन हिंदी लैंग्वेज बुडी को एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय रोहित धवन, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला एंड रिटन बाय रोहित धवन एंड तुषार हीरानंदनी। द फिल्म स्टार जॉन अब्राहम और धवन एंड जैकलिन फर्नांडीज अलोंगसाइड अक्षय खन्ना एज द एनर्जी मार्किंग इज द कमबैक टू एक्टिंग आफ्टर 4 ईयर ब्रेक। डिसम रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन 29 July 2016। इट वॉज द कमर्शियली सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस अर्निंग मोर देन 150 crore वर्ल्ड वाइड। डायरेक्टेड बाय रोहित धवन, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला, रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले रोहित धवन, तुषार हीरानंदनी, डायलॉग्स हुसैन दलाल, स्टारिंग जॉन अब्राहम वरुण धवन, जैकलिन फर्नांडीज, अक्षय खन्ना, साकिब सलीम, म्यूजिक बाय प्रीतम एंड स्कोर अभिजीत वाघिनी, सिनेमेटोग्राफी बाय अन्यांका बैस एंड एडिटिंग बाय रितेश सोनी, प्रोड्यूसर कंपनी नडियाड ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इरोज इंटरनेशनल। रिलीज डेट 29 July 2016। रनिंग टाइम 124 मिनट। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट ऑफ दिस फिल्म 45 crore rupees एंड बॉक्स ऑफिस क्लब 150 crore rupees। आई टॉक अबाउट प्लॉट ऑफ दिस फिल्म। ड्यूरिंग ए क्रिकेट टूर्नामेंट्स इन द मिडिल ईस्ट 24 hours पीरियड टू द फाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया टॉप क्रिकेटर विराट शर्मा, साकिब सलीम गोन इन द मिसिंग इंडियन ऑथराइज्ड गेट द वीडियो टैप एंड अननोन मैन क्लेमिंग टू हैव द अडोक्ट विराट स्टिल द इंडिया वीएस पाकिस्तान क्रिकेट मैच टू डेज लेटर एंड रीडिंग देन टू नॉट द कैंसल्ड द मैच। अटेम्प्टिंग टू अवॉइड मीडिया आउटरेज द गायत्री शुभ मिश्रा मोना अभेस्कर टू द एक्सटर्नल अफेयर्स द मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंट्स स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर कबीर शेरगिल IPS जोन अब्राहम UAE फ्रॉम 36 hours मंथ आफ्टर बींग रिसीव्ड बाय द गेटिंग इन टू द सेमी सफल विद द लोकल ऑफिसर सिद्द नावी तरुण खन्ना कबीर हुई से द नो नॉन सेंस कप एंड बम्प इन टू द रोकी इन टू द इमारती पुलिस ऑफिसर जुनेद अंसारी वरुण धवन हु वॉज द नेवर बीन एबल टू सॉल्व टू द केस बट हैज टू द गुड नॉलेज ऑफ द टाउन which is acquired during the first incomplete case of the finding a dog named Brahmad. Both Kabir and the Junaid start their investigation with the CCTV footage of the Viraj hotel and find out that the night of the disappearance, Viraj went to the local girl Simran Dalal, Nargis Fakhri, on conferring her the reveals that she took Viraj and friends birthday party is the left soon. Next, I talk about production. In the production, I talk about filming. The first schedule of the film started on June 27, 2015 at the Mehboob Studio. Varun Dhawan and Jacqueline Fernandez joined the set of the 4 July 2015. Abu Dhabi was the also filming. Location products include the options Abu Dhabi. There, the debate is the immersion 30% rebate seems. I talk about critical reviews. On the review upgrade website Rotten Tomatoes, the film has the rating of 56% based on the 9 review is the average 5.5/10. Now I talk about the soundtrack of this film. The music for this film is the composed by Pritam. The lyrics have been the penned by the Kumar Mayurpuri and Abhishek Pandit. The music rights have been the Acuity series. The full music album was the released on 15 July 2016. First song is the Sautrah Ke, lyrics by Kumar Ashish Pandit, singing by Jonita Gandhi, Amit Mishra. Length of the song 3:58. Second song, Third Disham, lyrics by Mayur Puri, singing by Raptar Sajit Malian, and the length of the song 4:03. The third song, Jane Man Aa, version first, lyrics by Mayur Puri, singing by Aman Trikha,
अंतरा मित्रा, लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3 मिनट 50 सेकंड, द फोर्थ सॉन्ग साउथ तरह के इज द रिक्वेस्टेड लिरिक्स बाय मयूर पुरी एंड सिंगिंग बाय अभिजीत स्वाद, आदित्य सिंह शर्मा एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3 मिनट 59 सेकंड, द फिफ्थ सॉन्ग जाने मन अवा वर्जन 2 लिरिक्स बाय मयूर पुरी एंड सिंगिंग बाय नकास अजीज एंड अनंतरा मिश्रा, लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3 मिनट 50 सेकंड, द सिक्स सॉन्ग इसका लिरिक्स बाय कुमार एंड सिंगिंग बाय अभिजीत स्वाद एंड अंतरा मिश्रा, लेंथ ऑफ द सॉन्ग 2 मिनट 47 सेकंड, द सेवन सॉन्ग सुबह होने ना दे इन द रिमिक्स लिरिक्स बाय कुमार एंड सिंगिंग बाय मिका सिंह बोहेमिया सेफली अवार्स, द लेंथ ऑफ द सॉन्ग 4 मिनट 59 सेकंड, टोटल लेंथ ऑफ द सॉन्ग 27 मिनट एंड 40 सेकंड। अगर क्रिकेट पर बनी फिल्मों की बात की जाए तो सिल्वर स्क्रीन पर ऐसी फिल्म वैसा जादू नहीं बिखर पाई जो असली मैदान में नज़र आता है। इमरान हाशमी स्टारर अजहर फ्लॉप रही, भले ही वह एक बायोपिक फिल्म रही हो, वही क्रिकेट थीम पर बनी दूसरे नामी स्टार की भी आधा दर्जन के करीब फिल्में भी कुछ खास नहीं कर पाई। शायद यही वजह है कि भारी बजट में बनी इस फिल्म में डायरेक्टर ने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग से लेकर करप्शन सहित ऐसे तमाम मसालों को फिट किया है जो बॉक्स ऑफिस पर इसे हिट कराने का दम रखते हैं। यह फिल्म जॉन अब्राहम के करियर के लिए भी खास थी। वेलकम बैक के बाद जॉन लंबे अरसे से एक अदद हिट को तरस रहे थे। वही करीब 4 साल पहले आई गली गली में चोर है कि नाकामी के बाद अब सिल्वर स्क्रीन पर नज़र आए अक्षय खन्ना भी डिसम से अपनी सेकंड इनिंग शुरू कर रहे थे। अक्षय खन्ना एक बार फिर खलनायक के किरदार में थे। इसमें इससे पहले वह हमराज में नेगेटिव किरदार निभा चुके थे। जहां तक डिसम की बात है तो UAE के शानदार लोकेशंस हेलीकॉप्टर पर जॉन अब्राहम और वरुण धवन के साथ फिल्माए गए हैं। कई हैरतअंगेज एक्शन सीन इस फिल्म की USP है। परिणीति चोपड़ा अपना वजन घटाने के बाद इस फिल्म में वरुण के साथ डांस करती नजर तो आई थी, लेकिन उनकी एंट्री बेहद हल्की और कमज़ोर रही थी। चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है। UAE में भारतीय क्रिकेट टीम के नंबर 1 बैट्समैन विजय शर्मा यानी साकिब सलीम की किडनैपिंग हो जाती है। दिल्ली से स्पेशल टास्क फोर्स के जाबाज अफसर कबीर शेरगिल यानी जॉन अब्राहम को वहां विराज को किडनैपर से सुरक्षित रिहा कराने के सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है। UAE में कबीर वहां की पुलिस से ड्यूटी कर रहे जुनैद अंसारी यानी वरुण धवन को अपने साथ इस मिशन में शामिल करता है। UAE पुलिस के आला अफसरों की नज़र में जुनैद किसी काम का नहीं, लेकिन कबीर को पहले ही मुलाकात में लगता है कि जुनैद उसके लिए काम का आदमी हो सकता है, इसलिए वह उसे अपने इस सीक्रेट मिशन में शामिल कर लेता है। दरअसल कबीर विराज का पता लगाने के साथ साथ वहां 36 घंटे बाद होने वाले क्रिकेट मैच में शामिल फिक्सिंग गिरोह को भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। अबुधाबी में कबीर और जुनैद की मुलाकात इसका यानी जैकलिन फ्रांडिस से होती है जो मोबाइल उड़ाने वाले गिरोह से जुड़ी है। इसका को पूछताछ के लिए कबीर और जुनैद पुलिस कस्टडी में लेते हैं। कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इस केस में लगे कबीर पहले अल्ताफ यानी राहुल दो और इसके बाद केस की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते राहुल यानी अक्षय खन्ना तक पहुंचते हैं। चलिए बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। अक्षय खन्ना कई साल बाद इस फिल्म में नज़र आए और अपने जीवंत अभिनय से छा गए। वही जॉन अब्राहम और वरुण धवन के इर्द गिर्द घूमती कहानी में जॉन एक्शन सीन में वरुण पर भारी नज़र आए। वरुण धवन पहले भी ऐसे कई सीन निभा चुके थे, फर्क बस इतना था इस बार वह पुलिस वाले बनकर सामने आए थे, वरना उनकी एक्टिंग में नया कुछ नहीं था। कहानी में जैकलिन के किरदार के लिए कुछ खास नहीं है। वही अक्षय कुमार ने अपने दोस्त जॉन अब्राहम की खातिर इस फिल्म में चंद मिनट का कैमियो किया है। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन की। रोहित धवन को इस फिल्म के लिए कमजोर स्क्रिप्ट मिली। ऐसा लगता है कि डिसम के स्क्रिप्ट राइटर यशराज बैनर की धूम के जादू में उलझे रहे और किरदारों व स्क्रिप्ट को दमदार बनाने पर ध्यान नहीं दे पाए। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों देखें। जॉन अब्राहम पर फिल्माए गए एक्शन और स्टंट सीन्स, वरुण धवन की मस्ती, जैकलिन और नरगिस फाकरे की खूबसूरत अदाओं के साथ साथ अक्षय खन्ना का दमदार कमबैक फिल्म की USP है। कहानी में नयापन नहीं है। इस फिल्म का बैनर है नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट इरोज इंटरनेशनल। इसके निर्माता हैं साजिद नडियाडवाला, सुनील एलुल्ला। इसके निर्देशक हैं रोहित धवन, जोनर
एक्शन और संगीतकार इसमें प्रीतम चक्रवर्ती, इसमें गीतकार हैं जोनिता गांधी, अमित मिश्रा, रफ्तार, शाहिद माल्या, अंतरा मित्र, अमन त्रिखा, अभिजीत संवाद, अदित सिंह शर्मा, नकस अजीजा, मिका सिंह, सैफ अली अलसरेज। बतौर निर्देशक रोहित धवन की बी टाउन इंडस्ट्री में यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले रोहित ने देसी बॉयज का निर्देशन किया था जो बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। जहां तक उनकी डिसम का सवाल है तो इस फिल्म में उन्होंने एक्शन का धमाकेदार तड़का लगाने की पूरी कोशिश की थी और उन्हें भरोसा था कि यह फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी। कहानी 2 घंटे 4 मिनट की फिल्म की कहानी एक स्टेडियम से शुरू होती है जहां इंडिया का बेस्ट क्रिकेटर विराट शर्मा यानी साकिब सलीम अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से हारा हुआ मैच जीत जाता है। वह इंडिया का स्टार बल्लेबाज होता है और अगले 36 घंटे में इंडिया का फाइनल मैच पाकिस्तान से होता है। फिर अचानक वह अपने रूम से लापता हो जाता है। इसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड समेत भारत सरकार सभी टेंशन में आ जाते हैं। फिर एक सरफिरे का वीडियो सामने आता है जिसमें वह फाइनल मैच कैंसिल न करने की चेतावनी देता है और भारत सरकार को धमकी देता है कि अगर इंडिया पाक का फाइनल मैच रद्द हुआ तो वह विराज को मार देगा। अब भारत सरकार विराज को ढूंढने के लिए इस टास्क फोर्स के होनहार अफसर कबीर यानी जॉन अब्राहम को सऊदी भेजती है। वहाँ का कानून अलग होता है लेकिन कबीर अपने ही स्टाइल में अपने केस को हैंडल करना चाहता है। इसके लिए वह वहाँ की पुलिस में नया ज्वाइन हुआ जुनैद यानी वरुण धवन का साथ लेता है। अब विराज को ढूंढने के लिए इनके पास सिर्फ 36 घंटे ही होते हैं। फिर सैम यानी अक्षय कुमार की मदद से कबीर और जुनैद एक जगह पहुंचते हैं। वह उन्हें मोबाइल चोर इसका यानी जैकलिन फ्रांडिस मिलती है। इसका की मदद से फिर दोनों उस सरभिरे को ढूंढ निकालते हैं। इसके बाद पता चलता है कि वह सिर्फ एक एक्टर है ना कि किडनैपर। रहस्य और गहरा हो जाता है कि आखिर असली किडनैपर कौन है। इसी के साथ फिल्म दिलचस्प मोड़ लेते हुए कहानी आगे बढ़ती है और कबीर जुनैद असली किडनैपर को ढूंढ लेता है। वरुण धवन और जॉन अब्राहम ने अपनी अपनी भूमिकाओं को बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से निभाया है। साथ ही दोनों एक दूसरे का गजब साथ देते हुए दिखाई दिए हैं। जैकलिन फ्रांडिस अपने किरदार में गजब दिखाई दी है। वह एक मोबाइल चोर के रूप में फिट दिखी। अक्षय खन्ना और राहुल देव ने अभिनय में निखार लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है जिसमें अक्षय वाघा के रोल में कई मायनों में सटीक दिखाई दिए। महेंद्र अमरनाथ व विजय राज भी अपने अपने किरदार में ठीक ही रहे। साकिब सलीम ने विराज का रोल बखूबी निभाया है। इसके अलावा नरगिस फाकरी और अक्षय कुमार अपने कुछ देर की भूमिका में ही अपने अलग अंदाज में दिखाई दिए। साथ ही जीरो फिगर में परिणीति चोपड़ा का आइटम नंबर भी बेहतर रहा। चलिए बात करते हैं निर्देशन की। रोहित धवन ने इस फिल्म में अपने अंदाज में एक्शन को परोसने का हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने इस एक्शन फिल्म के निर्देशन की कमान बखूबी संभाली थी। उन्होंने फिल्म में एक्शन का धमाकेदार तड़का तो जरूर लगाया था लेकिन कहीं कहीं वह थोड़ा और भी बेहतर कर सकते थे। एक्शन के मामले में तो रोहित ने वाकई में कुछ अलग कर दिखाने की कोशिश की थी जिसकी वजह से वे ऑडियंस की वाहवाही लूटने में कुछ हद तक सफल रहे थे। फिल्म की शुरुआत तो अच्छी रही लेकिन इंटरवल तक आते आते ऑडियंस थोड़ी बोर होती दिखाई दी थी। सेकंड हाफ में भी फिल्म की कहानी अपने पस से इधर उधर डगमगाती नजर आई थी। बहरहाल तो मुन्ना भाई होगा लेकिन मैं सिरकट नहीं, थकना मरने से बेहतर है। मैं कुछ एक डायलॉग सही रहे लेकिन एक टेक्नोलॉजी और सिनेमेटोग्राफी की बात छोड़ दी जाए तो इस फिल्म की कमर्शियल में कुछ नया कर दिखाने की कमी सी महसूस हुई थी। वो जिस तरह के संगीत के लिए जाने जाते हैं वह डिसम में कहीं नज़र नहीं आया। एक दो गीत छोड़कर सभी गानों में कोई असर नहीं है। चलिए बात करते हैं आप इसे क्यों देख सकते हैं। वरुण धवन, जॉन अब्राहम और जैकलिन फ्रांडिस के अभिनय से सजी फिल्म डिसम शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसे एक मसाला फिल्म कहा जा सकता था। इसमें बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और आइटम नंबर का जबरदस्त तड़का लगाया गया था। रोहित धवन के निर्देशन में बनी यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले वह देसी बॉयज भी बना चुके थे। यह फिल्म पिछले काफ़ी वक्त से चर्चा में थी। इसकी वजह से अक्षय खन्ना का 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करना था। अक्षय कुमार का फिल्म में कैमियो और परिणीति चोपड़ा का आइटम नंबर इसमें था। कहानी, फिल्म की कहानी अगवा किए गए शख्स विराज शर्मा यानी साकिब सलीम के इर्द गिर्द घूमती है। विराज टॉप इंडियन बैट्समैन है जिसका ऑडियंस पाकिस्तान के मैच के से ठीक पहले किडनैप
हो जाता है। इसके बाद उन्हें ढूंढने की जिम्मेदारी तो पुलिस ऑफिसर कबीर शेरगिल यानी जॉन अब्राहम और जुनेद अंसारी यानी वरुण धवन को दी जाती है। इन दोनों के पास विराज को ढूंढने के लिए केवल 36 घंटे का ही वक्त होता है। विराज की तलाश में फिल्म की कहानी कई दिलचस्प मोड़ के साथ आगे बढ़ती है। इस बीच यह जानना काफ़ी रोचक हो जाता है कि क्या कबीर और जुनेद विराज को ढूंढ पाते हैं। मैच से ठीक पहले आखिर विराज का किसने अपहरण किया होगा, ऐसे कई सवाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने सोशल मीडिया पर वरुण धवन और जॉन अब्राहम के साथ एक वीडियो शेयर किया है। जैकलिन फर्नांडिस आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि चर्चा में आ जाते हैं। जैकलिन सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इस वीडियो में जैकलिन फर्नांडिस के साथ वरुण धवन और जॉन अब्राहम नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए जैकलिन फर्नांडिस ने लिखा, जैकलिन की फिल्म डिसम के 3 साल पूरे होने पर उन्हें वीडियो शेयर किया है। हाल ही में जैकलिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस वीडियो में जैकलिन फर्नांडिस बीट पर डांस करते हुए नजर आ रहे थे। डिसम इज 2016 इंडियन हिंदी लैंग्वेज बुडी को एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय रोहित धवन, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला एंड रिटन बाय रोहित धवन एंड तुषार हीरानंदिनी। द फिल्म स्टार्स जॉन अब्राहम, वरुण धवन एंड जैकलिन फर्नांडिस अलोंगसाइड अक्षय खन्ना एज द एनर्जी मार्किंग इज द कमबैक टू एक्टिंग आफ्टर 4 ईयर ब्रेक। डिसम रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन 29 जुलाई 2016। इट वॉज द कमर्शियली सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस अर्निंग मोर देन 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड। डायरेक्टेड बाय रोहित धवन, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला, रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले रोहित धवन, तुषार हीरानंदिनी, डायलॉग्स हुसैन दलाल, स्टारिंग जॉन अब्राहम, वरुण धवन, जैकलिन फर्नांडिस, अक्षय खन्ना, साकिब सलीम, म्यूजिक बाय प्रीतम एंड स्कोर अभिजीत वाघिनी, सिनेमाटोग्राफी बाय अन्यांका बैस एंड एडिटिंग बाय रितेश सोनी, प्रोड्यूसर कंपनी नडियाड ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इरोज इंटरनेशनल। रिलीज डेट 29 जुलाई 2016। रनिंग टाइम 124 मिनट। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट ऑफ दिस फिल्म 45 करोड़ रुपीज एंड बॉक्स ऑफिस क्लब 150 करोड़ रुपीज। आई टॉक अबाउट प्लॉट ऑफ दिस फिल्म। ड्यूरिंग ए क्रिकेट टूर्नामेंट्स इन द मिडिल ईस्ट 24 आवर्स पीरियड टू द फाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया टॉप क्रिकेटर विराट शर्मा, साकिब सलीम, गोन इन द मिसिंग इंडियन अथॉरिटीज गेट द वीडियो टैप एंड अननोन मैन क्लेमिंग टू हैव द अडक्ट विराज टिल द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच टू डेज लेटर एंड रीडिंग देन टू नॉट द कैंसल्ड द मैच अटेम्प्टिंग टू अवॉइड मीडिया आउटरेज द गायत्री शुभ मिश्रा मोना अभेस्कर टू द एक्सटर्नल अफेयर्स द मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंट्स स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर कबीर शेरगिल IPS जॉन अब्राहम UAE फॉर 36 आवर मैं आफ्टर बींग रिसीव्ड बाय द गेटिंग इन टू द सेमी सफल विद द लोकल ऑफिसर सिद्धिद नावी तरुण खन्ना कबीर हुई सी द नो नॉन सेंस कप एंड बम्प इन टू द रोकी इन टू द इमारती पुलिस ऑफिसर जुनेद अंसारी वरुण धवन हु वॉज द नेवर बीन एबल टू सॉल्व टू द केस बट हैज टू द गुड नॉलेज ऑफ द टाउन विच इज द एक्वायर ड्यूरिंग द फर्स्ट इनकम्प्लीट केस ऑफ द फिंडिंग ए डॉग नेम्ड ब्रह्मांड। बोथ कबीर एंड द जुनेद स्टार्ट देयर इन्वेशन विद द CCTV फुटेज ऑफ द विराज होटल एंड फिंड आउट डेट द नाइट ऑफ द डिस्पेरेंस विराज वेंट टू द लोकल गर्ल सिमलाल दलाल नरगिस फाकरी ऑन कन्फरिंग हर द रिवर्स डेट सी टूक विराज एंड फ्रेंड्स बट पार्टी इज द लिफ्ट सून। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट प्रोडक्शन। इन द प्रोडक्शन आई टॉक अबाउट फिल्मिंग। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फिल्म स्टार्टेड ऑन June 27, 2015 एट द महबूब स्टूडियो। वरुण धवन एंड जैकलिन फर्नांडिस ज्वाइन द सेट ऑफ द 4 July 2015। अबू धाबी वॉज द आल्सो फिल्मिंग लोकेशन। प्रोडक्शन क्रू द ऑफिस अबू धाबी देयर द डिबेट इज द इमर्शन 30% रिबेट सेम्स। टॉक अबाउट क्रिटिकल रिव्यूज। ऑन द रिव्यू अपग्रेड वेबसाइट Rotten Tomatoes the film was the rating of 56% based on the 9 reviews is the average 5.5 by
टेनिस्टा। मेहता का प्रोड्यूसर साउंड ट्रैक ऑफ दिस फिल्म द म्यूजिक फॉर डिसम इज द कंपोजिड बाय प्रीतम बिल्लारिक्स हाई बिन द अपिनेट बाय द कुमार मयूरपुरी एंड अभिषेक पंडित द म्यूजिक राइट्स हाई बिन द एक्यूरेटी सीरीज द फुल म्यूजिक एल्बम वॉज द रिलीज ऑन 15/02/2016। फर्स्ट सॉन्ग इज द सौ तरह के लिरिक्स बाय कुमार आशीष पंडित सिंगिंग बाय जोनिता गांधी अमित मिश्रा लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:58। सेकंड सॉन्ग 3rd December लिरिक्स बाय मयूरपुरी सिंगिंग बाय रफ्तार सजीत मलयान एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 4:03। द थर्ड सॉन्ग जाने मन आ वर्जन फर्स्ट लिरिक्स बाय मयूरपुरी सिंगिंग बाय अमन त्रिखा अंतरा मित्रा एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:50। द फोर्थ सॉन्ग सौ तरह के इज द रिक्वेस्टेड लिरिक्स बाय मयूरपुरी एंड सिंगिंग बाय अभिजीत स्वाद आदि सिंह शर्मा एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:59। द फिफ्थ सॉन्ग जाने मन अवा वर्जन 2 लिरिक्स बाय मयूरपुरी एंड सिंगिंग बाय नकाश अचीज एंड अनंतरा मिश्रा लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:50। द सिक्स्थ सॉन्ग इसका लिरिक्स बाय कुमार एंड सिंगिंग बाय अभिजीत स्वाद एंड अंतरा मिश्रा लेंथ ऑफ द सॉन्ग 2:47। द सेवन्थ सॉन्ग सुबह होने ना दे इन द रिमिक्स लिरिक्स बाय कुमार एंड सिंगिंग बाय मिका सिंह बोहेमिया सेफली अवार्ड्स द लेंथ ऑफ द सॉन्ग 4:59। टोटल लेंथ ऑफ द सॉन्ग 27:40। डिसम इज ए 2016 इंडियन हिंदी लैंग्वेज बुडी को एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय रोहित धवन प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला एंड रिटन बाय रोहित धवन एंड तुषार हीरानंदनी। द फिल्म स्टार जॉन अब्राहम और धवन एंड जैकलिन फर्नांडीज अलोंगसाइड अक्षय खन्ना एज द नरसिंह मार्किंग इज द कमबैक टू एक्टिंग आफ्टर 4 ईयर ब्रेक। डिसम रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन 29 July 2016। इट वॉज द कमर्शियली सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस अर्निंग मोर देन 150 crore वर्ल्ड वाइड। डायरेक्टेड बाय रोहित धवन प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले रोहित धवन तुषार हीरानंदनी डायलॉग्स हुसैन दलाल स्टारिंग जॉन अब्राहम वरुण धवन जैकलिन फर्नांडीज अक्षय खन्ना साकिब सलीम म्यूजिक बाय प्रीतम एंड स्कोर अभिजीत वाग्नी सिनेमेटोग्राफी बाय अन्यांका बैस एंड एडिटिंग बाय रितेश सोनी प्रोड्यूसर कंपनी नडियाड ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इरोज इंटरनेशनल रिलीज डेट 29 July 2016 रनिंग टाइम 124 मिनट कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट ऑफ दिस फिल्म 45 crore rupees एंड बॉक्स ऑफिस क्लब 150 crore rupees। आई टॉक अबाउट प्लॉट ऑफ दिस फिल्म ड्यूरिंग ए क्रिकेट टूर्नामेंट्स इन द मिडिल ईस्ट 24 hours पीरियड टू द फाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया टॉप क्रिकेटर विराट शर्मा साकिब सलीम गोन इन द मिसिंग इंडियन ऑथराइज्ड गेट द वीडियो टैप एंड अननोन मैन क्लेमिंग टू हैव द अडोक्ट विराट टिल द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच टू डेज लेटर एंड रीडिंग देन टू नॉट द कैंसल्ड द मैच अटेम्प्टिंग टू अवॉइड मीडिया आउटरेज द गायत्री शुभ मिश्रा मोना अभेस्कर टू द एक्सटर्नल अफेयर्स द मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंट्स स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर कबीर शेरगिल IPS जोन अब्राहम UAE फ्रॉम 36 hours मंथ आफ्टर बींग रिसीव्ड बाय द गेटिंग इन टू द सेमी सफल विद द लोकल ऑफिसर सजीद नावी तरुण खन्ना कबीर हुई से द नो नॉन सेंस कप एंड बम्प इन टू द रोकी इन टू द इमारती पुलिस ऑफिसर जुनेद अंसारी वरुण धवन हु वॉज द नेवर बीन एबल टू सॉल्व टू द केस बट हैज टू द गुड नॉलेज ऑफ द टाउन which is acquired during the first incomplete case of the finding a dog named Brahmad. Both Kabir and the Junaid start their investigation with the CCTV footage of the Viraj hotel and find out that the night of the disappearance, Viraj went to the local girl Simran Dalal, Nargis Fakhri, on conferring her the reveals that she took Viraj and friends but the party is the left soon. Next, I talk about production. In the production, I talk about filming. The
द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फिल्म स्टार्ट ऑन जून 27, 2015 एट द महबूब स्टूडियो. वरुण धवन एंड जैकलिन फर्नांडिस ज्वाइंड द सेट ऑफ द 4 July 2015. अबू धाबी वॉज द आल्सो फिल्मिंग लोकेशन प्रोडक्ट्स इंक्लूड द ऑफिस अबू धाबी देयर द डिबर्स द इमर्शन 30% रिबेट सेम्स. Talk about critical reviews on the review upgrade website Rotten Tomatoes. The film has the rating of 56% based on the 9 reviews, is the average 5.5/10. Now talk about the soundtrack of this film. The music for this film is the composed by Pritam. The lyrics have been the penned by the Kumar Mayurpuri and Abhishek Pandit. The music rights have been the Acuity series. The full music album was released on 15 July 2016. First song is the Sautrake, lyrics by Kumar, Ashish Pandit, singing by Junita Gandhi, Amit Mishra. Length of the song 3:58. Second song, Third Dism, lyrics by Mayur Puri, singing by Raptar Sajit Malian, and the length of the song 4:03. The third song, Jane Man A, version first, lyrics by Mayur Puri, singing by Aman Trikha Antra Mitra, and length of the song 3:50. The fourth song, Sautrake, is the revised lyrics by Mayur Puri and singing by Abhijit Swat, Adish Singh Sharma, and length of the song 3:59. The fifth song, Jane Man Awa version 2, lyrics by Mayur Puri and singing by Nakas Achiz and Anantra Mishra. Length of this song 3:50. The sixth song, Iska, lyrics by Kumar and singing by Abhijit Swat and Antra Mishra. Length of this song 2:47. The seventh song, Subha Hone Na De, in the remix, lyrics by Kumar and singing by Mika Singh. Nahi bikhar paye jo asli maidan mein nazar aata hai. Imran Hashmi star Ajhar फ्लॉप रही. भले ही वह एक बायोपिक फिल्म रही हो, वही क्रिकेट थीम पर बनी दूसरे नामी स्टार की भी आधा दर्जन के करीब फिल्में भी कुछ खास नहीं कर पाई. शायद यही वजह है कि भारी बजट में बनी इस फिल्म में डायरेक्टर ने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग से लेकर करप्शन सहित ऐसे तमाम मसालों को फिट किया है जो बॉक्स ऑफिस पर इसे हिट कराने का दम रखते हैं. यह फिल्म जॉन अब्राहम के करियर के लिए भी खास थी. वेलकम बैक के बाद जान लंबे अरसे से एक आदत हिट को तरस रहे थे. वही करीब 4 साल पहले आई गली गली में चोर है कि नाकामी के बाद अब सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए अक्षय खन्ना भी डिसम से अपनी सेकंड इनिंग शुरू कर रहे थे. अक्षय खन्ना एक बार फिर खलनायक के किरदार में थे. इसमें इससे पहले वह हमराज में नेगेटिव किरदार निभा चुके थे. जहाँ तक डिसम की बात है तो UAE के शानदार लोकेशंस हेलीकॉप्टर पर जान अब्राहम और वरुण धवन के साथ फिल्माए गए हैं. कई हैरतअंगेज एक्शन सीन इस फिल्म की USP है. परिणीति चोपड़ा अपना वजन घटाने के बाद इस फिल्म में वरुण के साथ डांस करती नजर तो आई थी, लेकिन उनकी एंट्री बेहद हल्की और कमज़ोर रही थी. चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है. UAE में भारतीय क्रिकेट टीम के नंबर 1 बैट्समैन विजय शर्मा यानी साकिब सलीम की किडनैपिंग हो जाती है. दिल्ली से स्पेशल टास्क फोर्स के जाबाज अफसर कबीर शेरगिल यानी जॉन अब्राहम को वहां विराज को किडनैपर से सुरक्षित रिहा कराने के सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है. UAE में कबीर वहां की पुलिस से ड्यूटी कर रहे जुनैद अंसारी यानी वरुण धवन को अपने साथ इस मिशन में शामिल करता है. UAE पुलिस के आला अफसरों की नज़र में जुनैद किसी काम का नहीं, लेकिन कबीर को पहली ही मुलाकात में लगता है कि जुनैद उसके लिए काम का आदमी हो सकता है, इसलिए वह उसे अपने इस सीक्रेट मिशन में शामिल कर लेता है. दरअसल कबीर विराज का पता लगाने के साथ साथ वहाँ 36 घंटे बाद होने वाले क्रिकेट मैच में शामिल फिक्सिंग गिरोह को भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है. अबू धाबी में कबीर और जुनैद की मुलाकात इसका यानी जैकलिन फर्नांडिस से होती है, जो मोबाइल उड़ाने वाले गिरोह से जुड़ी है. इसका को पूछताछ के लिए कबीर और जुनैद पुलिस कस्टडी में लेते हैं. कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इस केस में लगे कबीर पहले अल्ताफ यानी राहुल दो और इसके बाद केस की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते राहुल यानी अक्षय खन्ना तक पहुंचते हैं. चलिए बात करते हैं एक्टिंग के बारे में. अक्षय खन्ना कई साल बाद इस फिल्म में नजर आए और अपने जीवंत अभिनय से छा गए. वही जान अब्राहम और वरुण धवन के इर्द गिर्द घूमती कहानी में जान एक्शन सीन में वरुण पर भारी नजर आए. वरुण धवन पहले भी ऐसे कई सीन निभा चुके थे, फर्क बस इतना था
इस बार वह पुलिस वाले बनकर सामने आए थे, वरना उनकी एक्टिंग में नया कुछ नहीं था। कहानी में जैकलीन के किरदार के लिए कुछ खास नहीं है। वही अक्षय कुमार ने अपने दोस्त जॉन अब्राहम की खातिर इस फिल्म में चंद मिनट का कैमियो किया है। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन की। रोहित धवन को इस फिल्म के लिए कमजोर स्क्रिप्ट मिली। ऐसा लगता है कि डिसम के स्क्रिप्ट राइटर यशराज बैनर की धूम के जादू में उलझे रहे और किरदारों व स्क्रिप्ट को दमदार बनाने पर ध्यान नहीं दे पाए। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों देखें। जॉन अब्राहम पर फिल्माए गए एक्शन और स्टंट सीन्स, वरुण धवन की मस्ती, जैकलिन और नरगिस फाकरे की खूबसूरत अदाओं के साथ साथ अक्षय खन्ना का दमदार कमबैक फिल्म की USP है। कहानी में नयापन नहीं है। इस फिल्म का बैनर है नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट इरोज इंटरनेशनल। इसके निर्माता हैं साजिद नडियाडवाला, सुनील एलुल्ला। इसके निर्देशक हैं रोहित धवन, जोनर। एक्शन और संगीतकार हैं इसमें प्रीतम चक्रवर्ती। इसमें गीतकार हैं जोनिता गांधी, अमित मिश्रा, रफ्तार, शाहिद माल्या, अंतरा मित्र, अमन त्रिखा, अभिजीत संवाद, अदित सिंह शर्मा, नकस अजीजा, मिका सिंह, सैफ अली अलसरेज। बतौर निर्देशक रोहित धवन की बी टाउन इंडस्ट्री में यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले रोहित ने देसी बॉयज का निर्देशन किया था, जो बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। जहां तक उनकी डिसम का सवाल है, तो इस फिल्म में उन्होंने एक्शन का धमाकेदार तड़का लगाने की पूरी कोशिश की थी और उन्हें भरोसा था कि यह फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी। कहानी 2 घंटे 4 मिनट की फिल्म की कहानी एक स्टेडियम से शुरू होती है, जहां इंडिया का बेस्ट क्रिकेटर विराट शर्मा यानी साकिब सलीम अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से हारा हुआ मैच जीत जाता है। वह इंडिया का स्टारर बल्लेबाज होता है और अगले 36 घंटे में इंडिया का फाइनल मैच पाकिस्तान से होता है। फिर अचानक वह अपने रूम से लापता हो जाता है। इसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड समेत भारत सरकार सभी टेंशन में आ जाते हैं। फिर एक सरफिरे का वीडियो सामने आता है, जिसमें वह फाइनल मैच कैंसिल ना करने की चेतावनी देता है और भारत सरकार को धमकी देता है कि अगर इंडिया पाक का फाइनल मैच रद्द हुआ तो वह विराज को मार देगा। अब भारत सरकार विराज को ढूंढने के लिए इस टास्क फोर्स के होनहार अफसर कबीर यानी जॉन अब्राहम को सऊदी भेजती है। वहां का कानून अलग होता है, लेकिन कबीर अपनी ही स्टाइल में अपने केस को हैंडल करना चाहता है। इसके लिए वह वहाँ की पुलिस में नया ज्वाइन हुआ जुनैद यानी वरुण धवन का साथ लेता है। अब विराज को ढूंढने के लिए इनके पास सिर्फ 36 घंटे ही होते हैं। फिर सैम यानी अक्षय कुमार की मदद से कबीर और जुनैद एक जगह पहुंचते हैं। वह उन्हें मोबाइल चोर इसका यानी जैकलिन फ्रांडीज मिलती है। इसका की मदद से फिर दोनों उस सरभिरे को ढूंढ निकालते हैं। इसके बाद पता चलता है कि वह सिर्फ एक एक्टर है, ना कि किडनैपर। रहस्य और गहरा हो जाता है कि आखिर असली किडनैपर कौन है। इसी के साथ फिल्म दिलचस्प मोड़ लेते हुए कहानी आगे बढ़ती है और कबीर जुनैद असली किडनैपर को ढूंढ लेता है। वरुण धवन और जॉन अब्राहम ने अपनी अपनी भूमिकाओं को बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से निभाया है। साथ ही दोनों एक दूसरे का गजब साथ देते हुए दिखाई दिए हैं। जैकलिन फ्रांडीज अपने किरदार में गजब दिखाई दी है। वह एक मोबाइल चोर के रूप में फिट दिखी। अक्षय खन्ना और राहुल देव ने अभिनय में निखार लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, जिसमें अक्षय वाघा के रोल में कई मायनों में सटीक दिखाई दिए। मोहिंदर अमरनाथ व विजय राज भी अपने अपने किरदार में ठीक ही रहे। साकिब सलीम ने विराज का रोल बखूबी निभाया है। इसके अलावा नरगिस फाकरे और अक्षय कुमार अपने कुछ देर की भूमिका में ही अपने अलग अंदाज में दिखाई दिए। साथ ही जीरो फिगर में परिणीति चोपड़ा का आइटम नंबर भी बेहतर रहा। चलिए बात करते हैं निर्देशन की। रोहित धवन ने इस फिल्म में अपने अंदाज में एक्शन को परोसने का हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने इस एक्शन फिल्म के निर्देशन की कमान बखूबी संभाली थी। उन्होंने फिल्म में एक्शन का धमाकेदार तड़का तो जरूर लगाया था, लेकिन कहीं कहीं वे थोड़ा और भी बेहतर कर सकते थे। एक्शन के मामले में तो रोहित ने वाकई में कुछ अलग कर दिखाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वे ऑडियंस की वाहवाही लूटने में कुछ हद तक सफल रहे थे। फिल्म की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन इंटरवल तक आते आते ऑडियंस थोड़ी बोर होती दिखाई दी थी। सेकंड हाफ में भी फिल्म की कहानी अपने पद से इधर उधर डगमगाती नजर आई थी। बहरहाल तो मुन्ना भाई होगा, लेकिन मैं सिरकट नहीं। थकना मरने से बेहतर है। मैं कुछ एक डायलॉग सही रहे, लेकिन एक टेक्नोलॉजी और सिनेमेटोग्राफी की बात छोड़ दी जाए तो इस फिल्म की कमर्शियल में कुछ नया कर दिखाने की कमी सी महसूस हुई थी।
वो जिस तरह के संगीत के लिए जाने जाते हैं वह डिसुम में कहीं नज़र नहीं आया। एक दो गीत छोड़कर सभी गानों में कोई असर नहीं है। चलिए बात करते हैं आप इसे क्यों देख सकते हैं। वरुण धवन, जॉन अब्राहम और जैकलिन फर्नांडिस के अभिनय से सजी फिल्म डिसुम शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसे एक मसाला फिल्म कहा जा सकता था। इसमें बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और आइटम नंबर का जबरदस्त तड़का लगाया गया था। रोहित धवन के निर्देशन में बनिया दूसरी फिल्म है। इससे पहले वह देसी बॉयज भी बना चुके थे। यह फिल्म पिछले काफ़ी वक्त से चर्चा में थी। इसकी वजह से अक्षय खन्ना का 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करना था। अक्षय कुमार का फिल्म में कैमियो और परिणीति चोपड़ा का आइटम नंबर इसमें था। कहानी, फिल्म की कहानी अगवा किए गए शख्स विराज शर्मा यानी शकीब सलीम के इर्द गिर्द घूमती है। विराज टॉप इंडियन बैट्समैन है जिसका ऑडियंस पाकिस्तान के मैच के से ठीक पहले किडनैप हो जाता है। इसके बाद उन्हें ढूंढने की जिम्मेदारी दो पुलिस ऑफिसर कबीर शेरगिल यानी जॉन अब्राहम और जुनेद अंसारी यानी वरुण धवन को दी जाती है। इन दोनों के पास विराज को ढूंढने के लिए केवल 36 घंटे का ही वक्त होता है। विराज की तलाश में फिल्म की कहानी कई दिलचस्प मोड़ के साथ आगे बढ़ती है। इस बीच यह जानना काफ़ी रोचक हो जाता है कि क्या कबीर और जुनेद विराज को ढूंढ पाते हैं। मैच से ठीक पहले आखिर विराज का किसने अपहरण किया होगा, ऐसे कई सवाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने सोशल मीडिया पर वरुण धवन और जॉन अब्राहम के साथ एक वीडियो शेयर किया है। जैकलिन फर्नांडिस आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि चर्चा में आ जाते हैं। जैकलिन सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इस वीडियो में जैकलिन फर्नांडिस के साथ वरुण धवन और जॉन अब्राहम नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए जैकलिन फर्नांडिस ने लिखा, जैकलिन की फिल्म डिसुम के 3 साल पूरे होने पर उन्हें वीडियो शेयर किया है। हाल ही में जैकलिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस वीडियो में जैकलिन फर्नांडिस बीट पर डांस करते हुए नजर आ रही थी। डिसुम इज ए 2016 इंडियन हिंदी लैंग्वेज बुडी को एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय रोहित धवन, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला एंड रिटन बाय रोहित धवन एंड तुषार हीरानंदनी। द फिल्म स्टार जॉन अब्राहम, वरुण धवन एंड जैकलिन फर्नांडिस अलोंगसाइड अक्षय खन्ना एज द एनर्जी मार्किंग इज द कमबैक टू एक्टिंग आफ्टर 4 ईयर ब्रेक। डिसुम रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन 29 जुलाई 2016। इट वॉज द कमर्शियली सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस अर्निंग मोर देन 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड। डायरेक्टेड बाय रोहित धवन, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला, रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले रोहित धवन, तुषार हीरानंदनी, डायलॉग्स हुसैन दलाल, स्टारिंग जॉन अब्राहम, वरुण धवन, जैकलिन फर्नांडिस, अक्षय खन्ना, साकिब सलीम, म्यूजिक बाय प्रीतम एंड स्कोर अभिजीत वाघिनी, सिनेमेटोग्राफी बाय अन्यांका बैस एंड एडिटिंग बाय रितेश सोनी, प्रोड्यूसर कंपनी नडियाड ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई इरोज इंटरनेशनल। रिलीज डेट 29 जुलाई 2016। रनिंग टाइम 124 मिनट। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट ऑफ दिस फिल्म 45 करोड़ रुपीज एंड बॉक्स ऑफिस क्लब 150 करोड़ रुपीज। नाउ टॉक अबाउट द प्लॉट ऑफ दिस फिल्म। ड्यूरिंग ए क्रिकेट टूर्नामेंट इन द मिडिल ईस्ट 24 आवर्स पीरियड टू द फाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया टॉप क्रिकेटर विराज शर्मा, साकिब सलीम गोन इन द मिसिंग इंडियन ऑथराइज्ड गेट द वीडियो टैप एंड अननोन मैन क्लेमिंग टू हैव द अडक्ट विराज टिल द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच टू डेज लेटर एंड रीडिंग देन टू नॉट द कैंसल द मैच अटेम्प्टिंग टू अवॉइड मीडिया आउटरेज द गायत्री शुभ मिश्रा मोना अभेस्कर टू द एक्सटर्नल अफेयर्स द मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंट्स स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर कबीर शेरगिल IPS जॉन अब्राहम UAE फॉर 36 आवर मैंथ आफ्टर बींग रिसीव्ड बाय द गेटिंग इन टू द सेमी सफल विद द लोकल ऑफिसर सजीद नावी तरुण खन्ना कबीर हुई सी द नो नॉन सेंस कप एंड बम्प इन टू द रोकी इन टू द इमारती पुलिस ऑफिसर जुनेद अंसारी वरुण धवन हु वॉज द नेवर बीन एबल टू सॉल्व टू द केस बट हैज टू द गुड नॉलेज ऑफ द टाउन व्हिच इज द एक्वायर ड्यूरिंग द फर्स्ट इनकम्प्लीट केस ऑफ द फाइंडिंग ए डॉग नेम्ड ब्रह्मान। बोथ कबीर एंड द जुनेद स्टार्ट देयर इन्वेशन विद द CCTV फुटेज ऑफ द विराज होटल एंड
फिल्म आउट डेट द नाइट ऑफ द दिस पेरेंट्स ब्रजबेंट टू द लोकल गर्ल सिमलर दलाल नरगिस फाकरी ऑन कन्फरिंग हर द रिवर्स डेट सी टुक विराज एंड फ्रेंड्स बट पार्टी इज द लिफ्ट सून। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट प्रोडक्शन। इन द प्रोडक्शन आई टॉक अबाउट फिल्मिंग। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फिल्म स्टार्टेड ऑन जून 27, 2015 एट द महबूब स्टूडियो। वरुण धवन एंड जैकलिन फर्नांडिस जॉइंड द सेट ऑफ द 4 July 2015। अबू धाबी वॉज द आल्सो फिल्मिंग लोकेशन प्रोडक्ट इंक्लूड द ऑफिस अबू धाबी दे आर द डिबर्स द इमर्शन 30% रिबेट सेम्स। टॉक अबाउट क्रिटिकल रिव्यूज। ऑन द रिव्यू अपग्रेड वेबसाइट Rotten Tomatoes the film has the rating of 56% based on the 9 review is the average 5.5/10. Now talk about the soundtrack of this film. The music for this film is the composed by Pritam. The lyrics have been the penned by the Kumar Mayurpuri and Abhishek Pandit. The music rights have been the Acuity series. The full music album was the released on 15 July 2016. First song is the सौतरा के लिरिक्स बाय कुमार आशीष पंडित सिंगिंग बाय जोनिता गांधी अमित मिश्रा लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:58। सेकंड सॉन्ग थर्ड डिसम लिरिक्स बाय मयूर पुरी सिंगिंग बाय रफ्तार सजीत मलयान एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 4:03। द थर्ड सॉन्ग जाने मन आ वर्जन फर्स्ट लिरिक्स बाय मयूर पुरी सिंगिंग बाय अमन त्रिखा अंतरा मित्रा एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:50। द फोर्थ सॉन्ग सौतरा के इज द रिवेस्टेड लिरिक्स बाय मयूर पुरी एंड सिंगिंग बाय अभिजीत स्वाद आदि सिंह शर्मा एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:59। द फिफ्थ सॉन्ग जाने मन अवा वर्जन 2 लिरिक्स बाय मयूर पुरी एंड सिंगिंग बाय नकास अजीज एंड अनंतरा मिश्रा लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:50। द सिक्स सॉन्ग इसका लिरिक्स बाय कुमार एंड सिंगिंग बाय अभिजीत स्वात एंड अंतरा मिश्रा लेंथ ऑफ द सॉन्ग 2:47। द सेवन सॉन्ग सुबह होने ना दे इन द रिमिक्स लिरिक्स बाय कुमार एंड सिंगिंग बाय मिका सिंह बोहेमिया सेफली अवार्स द लेंथ ऑफ द सॉन्ग 4:59। टोटल लेंथ ऑफ द सॉन्ग 27:40। डिसम इज ए 2016 इंडियन हिंदी लैंग्वेज बुडी को एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय रोहित धवन प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला एंड रिटन बाय रोहित धवन एंड तुषार हीरानंदनी। द फिल्म स्टार्स जॉन अब्राहम धवन एंड जैकलिन फर्नांडिस अलोंगसाइड अक्षय खन्ना एज द नरसिम मार्किंग इज द कम बैक टू एक्टिंग आफ्टर 4 year ब्रेक। डिसम रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन 29 July 2016। इट वॉज द कमर्शियली सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस अर्निंग मोर देन 150 crore वर्ल्ड वाइज। डायरेक्टेड बाय रोहित धवन प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले रोहित धवन तुषार हीरानंदनी। डायलॉग्स हुसैन दलाल स्टारिंग जॉन अब्राहम वरुण धवन जैकलिन फर्नांडिस अक्षय खन्ना साकिब सलीम। म्यूजिक बाय प्रीतम एंड स्कोर अभिजीत वाघिनी। सिनेमेटोग्राफी बाय अन्यांका बैस एंड एडिटिंग बाय रितेश सोनी। प्रोड्यूसर कंपनी नडियाड ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इरोज इंटरनेशनल। रिलीज डेट 29 July 2016। रनिंग टाइम 124 minutes। कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी। बजट ऑफ दिस फिल्म 45 crore रुपीज एंड बॉक्स ऑफिस क्लब 150 crore रुपीज। आई टॉक अबाउट प्लॉट ऑफ दिस फिल्म। ड्यूरिंग ए क्रिकेट टूर्नामेंट्स इन द मिडिल ईस्ट 24 hours पीरियड टू द फाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया टॉप क्रिकेटर विराज शर्मा साकिब सलीम गोन इन द मिसिंग इंडियन ऑथराइज्ड गेट द वीडियो टैप एंड अननोन मैन क्लेमिंग टू हैव द अडॉप्ट विराज टिल द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच टू डेज लेटर एंड रीडिंग देन टू नॉट द कैंसल द मैच अटेम्प्टिंग टू अवॉइड मीडिया आउटरेज द गायत्री शुभ मिश्रा मोना अभेस्कर टू द एक्सटर्नल अफेयर्स द मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंट्स स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर कबीर शेरगिल IPS जोना अब्राहम UAE फॉर 36 hours मंथ आफ्टर बींग received by the getting into the semi shuffle with the local officer Sajid Navi Tarun Khanna
कबीर हुई से द नो नॉन सेंस कॉप एंड बम्प इंटू द रॉक इंटू द इमारती पुलिस ऑफिसर जुनैद अंसारी वरुण धवन हु वाज द नेवर बीन एबल टू सॉल्व टू द केस बट हैज टू द गुड नॉलेज ऑफ द टाउन व्हिच द एक्वायर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट इनकम्प्लीट केस ऑफ द फाइंडिंग ए डॉग नेम्ड ब्रह्माद। बोथ कबीर एंड द जुनैद स्टार्ट देयर इन्वेशन विद द सीसीटीवी फुटेज ऑफ द बिराज होटल एंड फाइंड आउट दैट द नाइट ऑफ द डिसअपीयरेंस बिराज वेंट टू द लोकल गर्ल सिमला दलाल नरगिस फाकरी ऑन कन्फर्मिंग हर द रिवर्स दैट शी टुक बिराज एंड फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी इज द लिफ्ट सून। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट प्रोडक्शन। इन द प्रोडक्शन आई टॉक अबाउट फिल्मिंग। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फिल्म स्टार्टेड ऑन जून 27, 2015 एट द महबूब स्टूडियो। वरुण धवन एंड जैकलिन फर्नांडिस जॉइन द सेट ऑफ द 4 July 2015 अबू धाबी वॉज द ऑल्सो फिल्मिंग लोकेशन प्रोडक्ट क्रू द ऑफिस अबू धाबी दे आर द डिबर्स द इमर्शन 30% रिबेट सेम्स। टॉक अबाउट क्रिटिकल रिव्यूज। ऑन द रिव्यू अपग्रेड वेबसाइट रोटन टोमेटोज़ द फिल्म वॉज द रेटिंग ऑफ 56% बेस्ड ऑन द 9 रिव्यू इज द एवरेज 5.5/10 star। नाउ टॉक अबाउट द साउंड ट्रैक ऑफ दिस फिल्म। द म्यूजिक फॉर दिस फिल्म इज द कंपोज्ड बाय प्रीतम विल लिरिक्स हैव बीन द अपीनड बाय द कुमार मयूरपुरी एंड अभिषेक पंडित। द म्यूजिक राइट्स हैव बीन द एक्यूरेटी सीरीज। द फुल म्यूजिक एल्बम वॉज द रिलीज ऑन 15 July 2016। फर्स्ट सॉन्ग इज द सौतरा के लिरिक्स बाय कुमार आशीष पंडित सिंगिंग बाय जोनिता गांधी अमित मिश्रा। लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:58। सेकंड सॉन्ग 3rd December लिरिक्स बाय मयूरपुरी सिंगिंग बाय रफ्तार सजीत मलयान एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 4:03। द थर्ड सॉन्ग जाने मन आ वर्जन फर्स्ट लिरिक्स बाय मयूरपुरी सिंगिंग बाय अमन त्रिखा अंतरा मित्रा एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:50। द फोर्थ सॉन्ग सौतरा के इज द रिवाइज्ड लिरिक्स बाय मयूरपुरी एंड सिंगिंग बाय अभिजीत स्वाद आदित्य सिंह शर्मा एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:59। द फिफ्थ सॉन्ग जाने मन आवा वर्जन 2 लिरिक्स बाय मयूरपुरी एंड सिंगिंग बाय नकाश अजीज एंड अनंतरा मिश्रा लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:50। द सिक्स सॉन्ग इसका लिरिक्स बाय कुमार एंड सिंगिंग बाय अभिजीत स्वाद एंड अंतरा मिश्रा लेंथ ऑफ द सॉन्ग 2:47। द सेवंथ सॉन्ग सुबह होने ना दे इन द रिमिक्स लिरिक्स बाय कुमार एंड सिंगिंग बाय मिका सिंह बोहेमिया सेफली अवार्स। द लेंथ ऑफ द सॉन्ग 4:59। टोटल लेंथ ऑफ द सॉन्ग 27:40। अगर क्रिकेट पर बनी फिल्मों की बात की जाए तो सिल्वर स्क्रीन पर ऐसी फिल्म वैसा जादू नहीं बिखर पाई जो असली मैदान में नज़र आता है। इमरान हाशमी स्टारर अजहर फ्लॉप रही। भले ही वह एक बायोपिक फिल्म रही हो, वही क्रिकेट थीम पर बनी दूसरे नामी स्टार की भी आधा दर्जन के करीब फिल्में भी कुछ खास नहीं कर पाई। शायद यही वजह है कि भारी बजट में बनी इस फिल्म में डायरेक्टर ने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग से लेकर करप्शन सहित ऐसे तमाम मसालों को फिट किया है जो बॉक्स ऑफिस पर इसे हिट कराने का दम रखते हैं। यह फिल्म जॉन अब्राहम के करियर के लिए भी खास थी। वेलकम बैक के बाद जॉन लंबे अरसे से एक अदद हिट को तरस रहे थे। वही करीब 4 साल पहले आई गली गली में चोर है कि नाकामी के बाद अब सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए अक्षय खन्ना भी डिसम से अपनी सेकंड इनिंग शुरू कर रहे थे। अक्षय खन्ना एक बार फिर खलनायक के किरदार में थे। इसमें इससे पहले वह हमराज में नेगेटिव किरदार निभा चुके थे। जहां तक डिसम की बात है तो UAE के शानदार लोकेशन हेलीकॉप्टर पर जॉन अब्राहम और वरुण धवन के साथ फिल्माए गए हैं। कई हैरतअंगेज एक्शन सीन इस फिल्म की USP है। परिणीति चोपड़ा अपना वजन घटाने के बाद इस फिल्म में वरुण के साथ डांस करती नज़र तो आई थी, लेकिन उनकी एंट्री बेहद हल्की और कमज़ोर रही थी। चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है। UAE में भारतीय क्रिकेट टीम के नंबर 1 बैट्समैन विजय शर्मा यानी साकिब सलीम की किडनैपिंग हो जाती है। दिल्ली से स्पेशल टास्क फोर्स के जाबाज अफसर कबीर शेरगिल यानी जॉन अब्राहम को वहाँ
विराज को किडनैपर से सुरक्षित रिहा कराने के सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है। एई में कबीर वहां की पुलिस से ड्यूटी कर रहे जुनैद अंसारी यानी वरुण धवन को अपने साथ इस मिशन में शामिल करता है। यूएई पुलिस के आला अफसरों की नज़र में जुनैद किसी काम का नहीं, लेकिन कबीर को पहली ही मुलाकात में लगता है कि जुनैद उसके लिए काम का आदमी हो सकता है, इसलिए वह उसे अपने इस सीक्रेट मिशन में शामिल कर लेता है। दरअसल कबीर विराज का पता लगाने के साथ साथ वहाँ 36 घंटे बाद होने वाले क्रिकेट मैच में शामिल फिक्शन गिरोह को भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। अबुधाबी में कबीर और जुनैद की मुलाकात इसका यानी जैकलिन फर्नांडिस से होती है, जो मोबाइल उड़ाने वाले गिरोह से जुड़ी है। इसका को पूछताछ के लिए कबीर और जुनैद पुलिस कस्टडी में लेते हैं। कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इस केस में लगे कबीर पहले अल्ताफ यानी राहुल दो और इसके बाद केस की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते राहुल यानी अक्षय खन्ना तक पहुंचते हैं। चलिए बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। अक्षय खन्ना कई साल बाद इस फिल्म में नज़र आए और अपने जीवंत अभिनय से छा गए। वही जान अब्राहम और वरुण धवन के इर्द गिर्द घूमती कहानी में जान एक्शन सीन में वरुण पर भारी नज़र आए। वरुण धवन पहले भी ऐसे कई सीन निभा चुके थे, फर्क बस इतना था इस बार वह पुलिस वाले बनकर सामने आए थे, वरना उनकी एक्टिंग में नया कुछ नहीं था। कहानी में जैकलिन के किरदार के लिए कुछ खास नहीं है। वही अक्षय कुमार ने अपने दोस्त जान अब्राहम की खातिर इस फिल्म में चंद मिनट का कैमियो किया है। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन की। रोहित धवन को इस फिल्म के लिए कमजोर स्क्रिप्ट मिली। ऐसा लगता है कि डिसम के स्क्रिप्ट राइटर यशराज बैनर की धूम के जादू में उलझे रहे और किरदारों व स्क्रिप्ट को दमदार बनाने पर ध्यान नहीं दे पाए। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों देखें। जान अब्राहम पर फिल्माए गए एक्शन और स्टंट सीन्स, वरुण धवन की मस्ती, जैकलिन और नरगिस फाकरे की खूबसूरत अदाओं के साथ साथ अक्षय खन्ना का दमदार कमबैक फिल्म की यूएसपी है। कहानी में नयापन नहीं है। इस फिल्म का बैनर है नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट इरोज इंटरनेशनल। इसके निर्माता हैं साजिद नडियाडवाला, सुनील एलुल्ला। इसके निर्देशक हैं रोहित धवन, जोनर एक्शन और संगीतकार हैं इसमें प्रीतम चक्रवर्ती। इसमें गीतकार हैं जोनिता गांधी, अमित मिश्रा, रफ्तार, शाहिद माल्या, अंतरा मित्र, अमन त्रिखा, अभिजीत संवाद, अदित सिंह शर्मा, नकस अजीजा, मिका सिंह, सैफ अली अलसरेज। बतौर निर्देशक रोहित धवन की बी टाउन इंडस्ट्री में यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले रोहित ने देसी बॉयज का निर्देशन किया था जो बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। जहां तक उनकी डिसम का सवाल है तो इस फिल्म में उन्होंने एक्शन का धमाकेदार तड़का लगाने की पूरी कोशिश की थी और उन्हें भरोसा था कि यह फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी। कहानी 2 घंटे 4 मिनट की फिल्म की कहानी एक स्टेडियम से शुरू होती है जहां इंडिया का बेस्ट क्रिकेट विराट शर्मा यानी साकिब सलीम अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से हारा हुआ मैच जीत जाता है। वह इंडिया का स्टारर बल्लेबाज होता है और अगले 36 घंटे में इंडिया का फाइनल मैच पाकिस्तान से होता है। फिर अचानक वह अपने रूम से लापता हो जाता है। इसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड समेत भारत सरकार सभी टेंशन में आ जाते हैं। फिर एक सरफिरे का वीडियो सामने आता है जिसमें वह फाइनल मैच कैंसिल न करने की चेतावनी देता है और भारत सरकार को धमकी देता है कि अगर इंडिया पाक का फाइनल मैच रद्द हुआ तो वह विराज को मार देगा। अब भारत सरकार विराज को ढूंढने के लिए इस टास्क फोर्स के होनहार अफसर कबीर यानी जान अब्राहम को सऊदी भेजती है। वहां का कानून अलग होता है लेकिन कबीर अपनी ही स्टाइल में अपने केस को हैंडल करना चाहता है। इसके लिए वह वहाँ की पुलिस में नया ज्वाइन हुआ जुनैद यानी वरुण धवन का साथ लेता है। अब विराज को ढूंढने के लिए इनके पास सिर्फ 36 घंटे ही होते हैं। फिर सैम यानी अक्षय कुमार की मदद से कबीर और जुनैद एक जगह पहुंचते हैं। वह उन्हें मोबाइल चोर इसका यानी जैकलिन फर्नांडिस मिलती है। इसका की मदद से फिर दोनों उस सरभिरे को ढूंढ निकालते हैं। इसके बाद पता चलता है कि वह सिर्फ एक एक्टर है, ना कि किडनैपर। रहस्य और गहरा हो जाता है कि आखिर असली किडनैपर कौन है। इसी के साथ फिल्म दिलचस्प मोड़ लेते हुए कहानी आगे बढ़ती है और कबीर जुनैद असली किडनैपर को ढूंढ लेता है। वरुण धवन और जॉन अब्राहम ने अपनी अपनी भूमिकाओं को बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से निभाया है। साथ ही दोनों एक दूसरे का गजब साथ देते हुए दिखाई दिए हैं। जैकलिन फर्नांडिस अपने किरदार में गजब दिखाई दी है। वह एक मोबाइल चोर के रूप में फिर दिखी। अक्षय खन्ना और राहुल देव ने अभिनय में निखार लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, जिसमें अक्षय वाघा के रोल में कई मायनों में सटीक दिखाई दिए।
महेंद्र अमरनाथ व विजय राज भी अपने अपने किरदार में ठीक ही रहे। साकिब सलीम ने विराज का रोल बखूबी निभाया है। इसके अलावा नरगिस फाकरी और अक्षय कुमार अपने कुछ देर की भूमिका में ही अपने अलग अंदाज में दिखाई दिए। साथ ही जीरो फिगर में परिणीति चोपड़ा का आइटम नंबर भी बेहतर रहा। चलिए बात करते हैं निर्देशन की। रोहित धवन ने इस फिल्म में अपने अंदाज में एक्शन को परोसने का हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने इस एक्शन फिल्म के निर्देशन की कमान बखूबी संभाली थी। उन्होंने फिल्म में एक्शन का धमाकेदार तड़का तो जरूर लगाया था, लेकिन कहीं कहीं वह थोड़ा और भी बेहतर कर सकते थे। एक्शन के मामले में तो रोहित ने वाकई में कुछ अलग कर दिखाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वे ऑडियंस की वाहवाही लूटने में कुछ हद तक सफल रहे थे। फिल्म की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन इंटरवल तक आते आते ऑडियंस थोड़ी बोर होती दिखाई दी थी। सेकंड हाफ में भी फिल्म की कहानी अपने पद से इधर उधर डगमगाती नजर आई थी। बहरहाल तो मुन्ना भाई होगा, लेकिन मैं सिरकट नहीं। थकना मरने से बेहतर है। मैं कुछ एक डायलॉग सही रहे, लेकिन एक टेक्नोलॉजी और सिनेमेटोग्राफी की बात छोड़ दी जाए तो इस फिल्म की कमर्शियल में कुछ नया कर दिखाने की कमी सी महसूस हुई थी। वो जिस तरह के संगीत के लिए जाने जाते हैं वह डिसुम में कहीं नज़र नहीं आया। एक दो गीत छोड़कर सभी गानों में कोई असर नहीं है। चलिए बात करते हैं आप इसे क्यों देख सकते हैं। वरुण धवन, जॉन अब्राहम और जैकलिन फर्नांडिस के अभिनय से सजी फिल्म डिसुम शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसे एक मसाला फिल्म कहा जा सकता था। इसमें बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और आइटम नंबर का जबरदस्त तड़का लगाया गया था। रोहित धवन के निर्देशन में बनिया दूसरी फिल्म है। इससे पहले वह देसी बॉयज भी बना चुके थे। यह फिल्म पिछले काफ़ी वक्त से चर्चा में थी। इसकी वजह से अक्षय खन्ना का 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करना था। अक्षय कुमार का फिल्म में कैमियो और परिणीति चोपड़ा का आइटम नंबर इसमें था। कहानी, फिल्म की कहानी अगवा किए गए शख्स विराज शर्मा यानी साकिब सलीम के इर्द गिर्द घूमती है। विराज टॉप इंडियन बैट्समैन है, जिसका ऑडियंस पाकिस्तान के मैच के से ठीक पहले किडनैप हो जाता है। इसके बाद उन्हें ढूंढने की जिम्मेदारी दो पुलिस ऑफिसर कबीर शेरगिल यानी जॉन अब्राहम और जुनेद अंसारी यानी वरुण धवन को दी जाती है। इन दोनों के पास विराज को ढूंढने के लिए केवल 36 घंटे का ही वक्त होता है। विराज की तलाश में फिल्म की कहानी कई दिलचस्प मोड़ के साथ आगे बढ़ती है। इस बीच यह जानना काफ़ी रोचक हो जाता है कि क्या कबीर और जुनेद विराज को ढूंढ पाते हैं। मैच से ठीक पहले आखिर विराज का किसने अपहरण किया होगा, ऐसे कई सवाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने सोशल मीडिया पर वरुण धवन और जॉन अब्राहम के साथ एक वीडियो शेयर किया है। जैकलिन फर्नांडिस आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि चर्चा में आ जाते हैं। जैकलिन सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इस वीडियो में जैकलिन फर्नांडिस के साथ वरुण धवन और जॉन अब्राहम नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए जैकलिन फर्नांडिस ने लिखा, जैकलिन की फिल्म डिसुम के 3 साल पूरे होने पर उन्हें वीडियो शेयर किया है। हाल ही में जैकलिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस वीडियो में जैकलिन फर्नांडिस बीट पर डांस करते हुए नजर आ रही थी। डिसुम इज ए 2016 इंडियन हिंदी लैंग्वेज बुडी को एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय रोहित धवन, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला एंड रिटन बाय रोहित धवन एंड तुषार हीरानंदनी। द फिल्म स्टार जॉन अब्राहम, वरुण धवन एंड जैकलिन फर्नांडिस अलोंगसाइड अक्षय खन्ना एज द एनर्जी मार्किंग इज द कमबैक टू एक्टिंग आफ्टर 4 ईयर ब्रेक। डिसुम रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन 29 जुलाई 2016, इट वॉज द कमर्शियली सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस, अर्निंग मोर देन 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड। डायरेक्टेड बाय रोहित धवन, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला, रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले रोहित धवन, तुषार हीरानंदनी, डायलॉग्स हुसैन दलाल, स्टारिंग जॉन अब्राहम, वरुण धवन, जैकलिन फर्नांडिस, अक्षय खन्ना, साकिब सलीम, म्यूजिक बाय प्रीतम एंड स्कोर अभिजीत वाघिनी, सिनेमेटोग्राफी बाय अन्यांका बैस एंड एडिटिंग बाय रितेश सोनी, प्रोड्यूसर कंपनी नडियाड ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई इरोज इंटरनेशनल। रिलीज डेट 29 जुलाई 2016, रनिंग टाइम 124 मिनट, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट ऑफ दिस फिल्म 45 करोड़ रुपीज एंड बॉक्स ऑफिस क्लब 150 करोड़ रुपीज। नाउ टॉक अबाउट द प्लॉट ऑफ दिस फिल्म। ड्यूरिंग ए क्रिकेट टूर्नामेंट इन द मिडिल ईस्ट 24 आवर्स पीरियड टू द फाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया टॉप क्रिकेटर विराज शर्मा, साकिब
सलीम, गोन इन द मिसिंग इंडियन, ऑथराइज्ड गेट द वीडियो टैप एंड अननोन मैन क्लेमिंग टू हैव द अडक्ट विराज टिल द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच टू डे लेटर एंड रीडिंग देन टू नॉट द कैंसल द मैच अटेम्प्टिंग टू अवॉइड मीडिया आउटरेज द गायत्री शुभ मिश्रा मोना अभेस्कर टू द एक्सटर्नल अफेयर्स द मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंट्स स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर कबीर शेरगिल आई पी एस जोन अब्राहम यू ए फॉर 36 hours 19 minutes after being received by the getting into the semi shuffle with the local officer Sajid Navi Tarun Khanna Kabir who is the no-nonsense cop and bump into the rocky into the Imarti police officer Junaid Ansari Varun Dhawan who was the never been able to solve to the case but has to the good knowledge of the town which is acquired during the first incomplete case of the finding a dog named Brahman. Both Kabir and the Junaid start their investigation with the CCTV footage of the Biraj Hotel and find out that the night of the disappearance, Biraj went to the local girl Simlal Dalal, Nargis Fakhri, on conferring her the reverse that she took Biraj and friends, but party is the left soon. Next, I talk about production. In the production, I talk about filming. The first schedule of the film started on June 27, 2015 at the Mehboob Studio. Varun Dhawan and Jacqueline Fernandez joined the set of the 4 July 2015. Abu Dhabi was the also filming. Location products include the offices Abu Dhabi. There, the diversity is the immersion 30% rebate seems. I talk about critical reviews on the review upgrade website. Rotten Tomatoes the film has the rating of 56% based on the 9 review is the average 5.5 by 10 star. Now I talk about the soundtrack of this film. The music for this film is the composed by Pritham. The lyrics have been the penned by the Kumar Mayurpuri and Abhishek Pandit. The music rights have been the Acuity series. The full music album was the released on 15 July 2016. First song is the Sautra ke lyrics by Kumar Ashish Pandit singing by Junita Gandhi Amit Mishra length of the song 3 minutes 58 seconds second song third song lyrics by Mayur Puri singing by Raftar Sajit Malian and length of the song 4 minutes 3 seconds the third song Jaane Man A version first lyrics by Mayur Puri singing by Aman Trikha Antra Mitra and length of the song 3 minutes 50 seconds the fourth song Sautra ke is the revised lyrics by Mayur Puri and singing by Abhijit Swat, Adish Singh Sharma and length of the song 3 minutes 59 seconds. The fifth song Jaane Man Awa version 2, lyrics by Mayur Puri and singing by Nakas Achiz and Anantra Mishra, length of the song 3 minutes 50 seconds. The sixth song Iska, lyrics by Kumar and singing by Abhijit Swat and Anantra Mishra. Length of the song 2 minutes 47 seconds. The seventh song, Subha Hone Na De, in the remix, lyrics by Kumar and singing by Mika Singh, Bohemia, safely awards the length of the song 4 minutes 59 seconds. Total length of the song 27 minutes and 40 seconds. Disumi Je 2016 Indian Hindi language. बुडी को एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय रोहित धवन प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला एंड रिटन बाय रोहित धवन एंड तुषार हीरानंदनी द फिल्म स्टार्स जॉन अब्राहम वरुण धवन एंड जैकलिन फर्नांडीज अलोंगसाइड अक्षय खन्ना एज द अनाउंसिंग मार्किंग इज द कमबैक टू एक्टिंग आफ्टर 4 year ब्रेक डिसम रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन 29 July 2016 इट वॉज द कमर्शियली सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस अर्निंग मोर देन 150 crore worldwide. Directed by Rohit Dhawan, produced by Sajid Nadiadwala, written by story and screenplay Rohit Dhawan, Tushar Hiranandani. Dialogues Hussain Dalal, starring John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna, Saqib Saleem. Music by Pritham and score Abhijit Waghni. Cinematography by
अन्यांग काबस एंड एडिटिंग बाई रितेश सोनी, प्रोड्यूसर कंपनी नडियाड ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई इरोज इंटरनेशनल। रिलीज डेट 29 जुलाई 2016। रनिंग टाइम 124 मिनट। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट ऑफ दिस फिल्म 45 करोड़ रुपीज़ एंड बॉक्स ऑफिस क्लब 150 करोड़ रुपीज़। आई टॉक अबाउट प्लॉट ऑफ दिस फिल्म। ड्यूरिंग ए क्रिकेट टूर्नामेंट्स इन द मिडिल ईस्ट 24 आवर्स पीरियड टू द फाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया टॉप क्रिकेटर विराट शर्मा, साकिब सलीम, गोनी द मिसिंग इंडियन ऑथराइज्ड गेट द वीडियो टैप एंड अननोन मैन क्लेमिंग टू हैव द अडॉप्टेड विराट स्टिल द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच टू डेज लेटर एंड रीडिंग देन टू नॉट द कैंसल द मैच अटेम्प्टिंग टू अवॉइड मीडिया आउटरेज द गायत्री शुभ मिश्रा मोना अभेस्कर टू द एक्सटर्नल अफेयर्स द मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंट्स स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर कबीर शेरगिल IPS जोना अब्राहम UAE फॉर 36 आवर मंथ आफ्टर बींग रिसीव्ड बाई द गेटिंग इन टू द सेमी सफल विद द लोकल ऑफिसर सजीद नावी तरुण खन्ना कबीर हुई सी द नो नॉन सेंस कप एंड बम्प इन टू द रोकी इन टू द इमारती पुलिस ऑफिसर जुनेद अंसारी वरुण धवन हु वॉज द नेवर बीन एबल टू सॉल्व टू द केस बट हैज टू द गुड नॉलेज ऑफ द टाउन which is acquired during the first incomplete case of the finding a dog named Brahmad. Both Kabir and the Junaid started their investigation with the CCTV footage of the Viraj hotel and found out that the night of the disappearance, Viraj went to the local girl Simla Dalal, Nargis Fakhri, on conferring her the reverse that she took Viraj and friend's birthday party is the left soon. Next, I talk about production. In the production, I talk about filming. The first schedule of the film started on June 27, 2015 at the Mehboob Studio. Varun Dhawan and Jacqueline Fernandez joined the set of the 4 July 2015. Abu Dhabi was the also filming location. Products include the offices Abu Dhabi. There, the diversity, the immersion, 30% rebate seems. I talk about critical reviews. On the review upgrade website Rotten Tomatoes, the film was the rating of 56% based on the 9 reviews is the average 5.5 by 10 star. Now I talk about the soundtrack of this film. The music for this film is the composed by Pritam. The lyrics have been the penned by the Kumar Mayurpuri and Abhishek Pandit. The music rights have been the Acuity series. The full music album was the released on 15 July 2016. First song is the Sautra Ke, lyrics by Kumar Ashish Pandit, singing by Jonita Gandhi, Amit Mishra. Length of the song 3 minutes 58 seconds. Second song, Third Dism, lyrics by Mayur Puri, singing by Raptar Sajit Malian, and the length of the song 4 minutes 3 seconds. The third song, Jane Man A, version first, lyrics by Mayur Puri, singing by Aman Trikha Antra Mitra, and length of the song 3 minutes 50 seconds. The fourth song, Sautra Ke, is the revised lyrics by Mayur Puri and singing by Abhijit Swat, Adish Singh Sharma, and length of the song 3 minutes 59 seconds. The fifth song, Jane Man Awa, version 2, lyrics by Mayur Puri and singing by Nakas Aziz and Anantra Mishra, length of the song 3 minutes 50 seconds. The sixth song, Iska, lyrics by Kumar and singing by Abhijit Swat and Antra Mishra, length of the song 2 minutes 47 seconds. The seventh song, Subha Hone Na De, in the remix, lyrics by Kumar and singing by Mika Singh, Bohemia Safely Awards, the length of the song 4 minutes 59 seconds. Total length of the song 27 minutes 40 seconds. अगर क्रिकेट पर बनी फिल्मों की बात की जाए तो सिल्वर स्क्रीन पर ऐसी फिल्म वैसा जादू नहीं बिखेर पाई जो असली मैदान में नज़र आता है। इमरान हाशमी स्टारर अजहर फ्लॉप रही, भले ही वह एक बायोपिक फिल्म रही हो, वही क्रिकेट थीम पर बनी दूसरे नामी स्टार की भी आधा दर्जन के करीब फिल्में भी कुछ खास
नहीं कर पाई। सादे ही वजह है कि भारी बजट में बनी इस फिल्म में डायरेक्टर ने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग से लेकर करप्शन सहित ऐसे तमाम मसालों को फिट किया है जो बॉक्स ऑफिस पर इसे हिट कराने का दम रखते हैं। यह फिल्म जॉन अब्राहम के करियर के लिए भी खास थी। वेलकम बैक के बाद जॉन लंबे अरसे से एक अदद हिट को तरस रहे थे। वही करीब 4 साल पहले आई गली गली में चोर है कि नाकामी के बाद अब सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए अक्षय खन्ना भी डिसम से अपनी सेकंड इनिंग शुरू कर रहे थे। अक्षय खन्ना एक बार फिर खलनायक के किरदार में थे। इसमें इससे पहले वह हमराज में नेगेटिव किरदार निभा चुके थे। जहां तक डिसम की बात है तो UAE के शानदार लोकेशन हेलीकॉप्टर पर जॉन अब्राहम और वरुण धवन के साथ फिल्माए गए हैं। कई हैरतअंगेज एक्शन सीन इस फिल्म की USP है। परिणीति चोपड़ा अपना वजन घटाने के बाद इस फिल्म में वरुण के साथ डांस करती नजर तो आई थी, लेकिन उनकी एंट्री बेहद हल्की और कमज़ोर रही थी। चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है। UAE में भारतीय क्रिकेट टीम के नंबर 1 बैट्समैन विजय शर्मा यानी साकिब सलीम की किडनैपिंग हो जाती है। दिल्ली से स्पेशल टास्क फोर्स के जाबाज अफसर कबीर शेरगिल यानी जॉन अब्राहम को वहाँ विराज को किडनैपर से सुरक्षित रिहा कराने के सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है। UAE में कबीर वहां की पुलिस से ड्यूटी कर रहे जुनैद अंसारी यानी वरुण धवन को अपने साथ इस मिशन में शामिल करता है। UAE पुलिस के आला अफसरों की नज़र में जुनैद किसी काम का नहीं, लेकिन कबीर को पहली ही मुलाकात में लगता है कि जुनैद उसके लिए काम का आदमी हो सकता है, इसलिए वह उसे अपने इस सीक्रेट मिशन में शामिल कर लेता है। दरअसल कबीर विराज का पता लगाने के साथ साथ वहां 36 घंटे बाद होने वाले क्रिकेट मैच में शामिल फिक्सिंग गिरोह को भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। अबुधाबी में कबीर और जुनैद की मुलाकात इसका यानी जैकलिन फ्रांडिस से होती है जो मोबाइल उड़ाने वाले गिरोह से जुड़ी है। इसका को पूछताछ के लिए कबीर और जुनैद पुलिस कस्टडी में लेते हैं। कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इस केस में लगे कबीर पहले अल्ताफ यानी राहुल दो और इसके बाद केस की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते राहुल यानी अक्षय खन्ना तक पहुंचते हैं। चलिए बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। अक्षय खन्ना कई साल बाद इस फिल्म में नजर आए और अपने जीवंत अभिनय से छा गए। वही जॉन अब्राहम और वरुण धवन के इर्द गिर्द घूमती कहानी में जॉन एक्शन सीन में वरुण पर भारी नजर आए। वरुण धवन पहले भी ऐसे कई सीन निभा चुके थे, फर्क बस इतना था इस बार वह पुलिस वाले बनकर सामने आए थे, वरना उनकी एक्टिंग में नया कुछ नहीं था। कहानी में जैकलिन के किरदार के लिए कुछ खास नहीं है। वही अक्षय कुमार ने अपने दोस्त जॉन अब्राहम की खातिर इस फिल्म में चंद मिनट का कैमियो किया है। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन की। रोहित धवन को इस फिल्म के लिए कमजोर स्क्रिप्ट मिली। ऐसा लगता है कि डिसम के स्क्रिप्ट राइटर यशराज बैनर की धूम के जादू में उलझे रहे और किरदारों व स्क्रिप्ट को दमदार बनाने पर ध्यान नहीं दे पाए। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों देखें। जॉन अब्राहम पर फिल्माए गए एक्शन और स्टंट सीन्स, वरुण धवन की मस्ती, जैकलिन और नरगिस फाकरे की खूबसूरत अदाओं के साथ साथ अक्षय खन्ना का दमदार कमबैक फिल्म की USP है। कहानी में नयापन नहीं है। इस फिल्म का बैनर है नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट इरोज इंटरनेशनल। इसके निर्माता हैं साजिद नडियाडवाला, सुनील एलुल्ला। इसके निर्देशक हैं रोहित धवन, जोनर एक्शन और संगीतकार हैं इसमें प्रीतम चक्रवर्ती। इसमें गीतकार हैं जोनिता गांधी, अमित मिश्रा, रफ्तार, शाहिद माल्या, अंतरा मित्र, अमन त्रिखा, अभिजीत संवाद, अदित सिंह शर्मा, नकस अजीजा, मिका सिंह, सैफ अली अलसरेज। बतौर निर्देशक रोहित धवन की बी टाउन इंडस्ट्री में यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले रोहित ने देसी बॉयज का निर्देशन किया था जो बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। जहां तक उनकी डिसम का सवाल है तो इस फिल्म में उन्होंने एक्शन का धमाकेदार तड़का लगाने की पूरी कोशिश की थी और उन्हें भरोसा था कि यह फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी। कहानी 2 घंटे 4 मिनट की फिल्म की कहानी एक स्टेडियम से शुरू होती है जहां इंडिया का बेस्ट क्रिकेट विराट शर्मा यानी साकिब सलीम अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से हारा हुआ मैच जीत जाता है। वह इंडिया का स्टारर बल्लेबाज होता है और अगले 36 घंटे में इंडिया का फाइनल मैच पाकिस्तान से होता है। फिर अचानक वह अपने रूम से लापता हो जाता है। इसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड समेत
भारत सरकार सभी टेंशन में आ जाते हैं। फिर एक सरफिरे का वीडियो सामने आता है जिसमें वह फाइनल मैच कैंसिल ना करने की चेतावनी देता है और भारत सरकार को धमकी देता है कि अगर इंडिया पाक का फाइनल मैच रद्द हुआ तो वह विराज को मार देगा। अब भारत सरकार विराज को ढूंढने के लिए इस टास्क फोर्स के होनहार अफसर कबीर यानी जॉन अब्राहम को सऊदी भेजती है। वहां का कानून अलग होता है लेकिन कबीर अपने ही स्टाइल में अपने केस को हैंडल करना चाहता है। इसके लिए वह वहां की पुलिस में नया ज्वाइन हुआ जुनैद यानी वरुण धवन का साथ लेता है। अब विराज को ढूंढने के लिए इनके पास सिर्फ 36 घंटे ही होते हैं। फिर सैम यानी अक्षय कुमार की मदद से कबीर और जुनैद एक जगह पहुँचते हैं। वह उन्हें मोबाइल चोर इसका यानी जैकलिन फर्नांडिस मिलती है। इसका की मदद से फिर दोनों उस सरफिरे को ढूंढ निकालते हैं। इसके बाद पता चलता है कि वह सिर्फ एक एक्टर है ना कि किडनैपर। रहस्य और गहरा हो जाता है कि आखिर असली किडनैपर कौन है। इसी के साथ फिल्म दिलचस्प मोड़ लेते हुए कहानी आगे बढ़ती है और कबीर जुनैद असली किडनैपर को ढूंढ लेता है। वरुण धवन और जॉन अब्राहम ने अपनी अपनी भूमिकाओं को बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से निभाया है। साथ ही दोनों एक दूसरे का गजब साथ देते हुए दिखाई दिए हैं। जैकलिन फर्नांडिस अपने किरदार में गजब दिखाई दी है। वह एक मोबाइल चोर के रूप में फिर दिखी। अक्षय खन्ना और राहुल देव ने अभिनय में निखार लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है जिसमें अक्षय वाघा के रोल में कई मायनों में सटीक दिखाई दिए। महेंद्र अमरनाथ व विजय राज भी अपने अपने किरदार में ठीक ही रहे। साकिब सलीम ने विराज का रोल बखूबी निभाया है। इसके अलावा नरगिस फाकरी और अक्षय कुमार अपने कुछ देर की भूमिका में ही अपने अलग अंदाज में दिखाई दिए। साथ ही जीरो फिगर में परिणीति चोपड़ा का आइटम नंबर भी बेहतर रहा। चलिए बात करते हैं निर्देशन की। रोहित धवन ने इस फिल्म में अपने अंदाज में एक्शन को परोसने का हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने इस एक्शन फिल्म के निर्देशन की कमान बखूबी संभाली थी। उन्होंने फिल्म में एक्शन का धमाकेदार तड़का तो जरूर लगाया था लेकिन कहीं कहीं वे थोड़ा और भी बेहतर कर सकते थे। एक्शन के मामले में तो रोहित ने वाकई में कुछ अलग कर दिखाने की कोशिश की थी जिसकी वजह से वे ऑडियंस की वाहवाही लूटने में कुछ हद तक सफल रहे थे। फिल्म की शुरुआत तो अच्छी रही लेकिन इंटरवल तक आते आते ऑडियंस थोड़ी बोर होती दिखाई दी थी। सेकंड हाफ में भी फिल्म की कहानी अपने पद से इधर उधर डगमगाती नजर आई थी। बहरहाल तो मुन्ना भाई होगा लेकिन मैं सिरकट नहीं, थकना मरने से बेहतर है। मैं कुछ एक डायलॉग सही रहे लेकिन एक टेक्नोलॉजी और सिनेमेटोग्राफी की बात छोड़ दी जाए तो इस फिल्म की कमर्शियल में कुछ नया कर दिखाने की कमी सी महसूस हुई थी। वो जिस तरह के संगीत के लिए जाने जाते हैं वह डिसुम में कहीं नज़र नहीं आया। एक दो गीत छोड़कर सभी गानों में कोई असर नहीं है। चलिए बात करते हैं आप इसे क्यों देख सकते हैं। वरुण धवन, जॉन अब्राहम और जैकलिन फर्नांडिस के अभिनय से सजी फिल्म डिसुम शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसे एक मसाला फिल्म कहा जा सकता था। इसमें बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और आइटम नंबर का जबरदस्त तड़का लगाया गया था। रोहित धवन के निर्देशन में बनी यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले वह देसी बॉयज भी बना चुके थे। यह फिल्म पिछले काफ़ी वक्त से चर्चा में थी। इसकी वजह से अक्षय खन्ना का 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करना था। अक्षय कुमार का फिल्म में कैमियो और परिणीति चोपड़ा का आइटम नंबर इसमें था। कहानी, फिल्म की कहानी अगवा किए गए शख्स विराज शर्मा यानी सकीब सलीम के इर्द गिर्द घूमती है। विराज टॉप इंडियन बैट्समैन है जिसका ऑडियंस पाकिस्तान के मैच के से ठीक पहले किडनैप हो जाता है। इसके बाद उन्हें ढूंढने की जिम्मेदारी दो पुलिस ऑफिसर कबीर शेरगिल यानी जॉन अब्राहम और जुनैद अंसारी यानी वरुण धवन को दी जाती है। इन दोनों के पास विराज को ढूंढने के लिए केवल 36 घंटे का ही वक्त होता है। विराज की तलाश में फिल्म की कहानी कई दिलचस्प मोड़ के साथ आगे बढ़ती है। इस बीच यह जानना काफ़ी रोचक हो जाता है कि क्या कबीर और जुनैद विराज को ढूंढ पाते हैं। मैच से ठीक पहले आखिर विराज का किसने अपहरण किया होगा, ऐसे कई सवाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने सोशल मीडिया पर वरुण धवन और जॉन अब्राहम के साथ एक वीडियो शेयर किया है। जैकलिन फर्नांडिस आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि चर्चा में आ जाते हैं। जैकलिन सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इस वीडियो में जैकलिन फर्नांडिस के साथ वरुण धवन और जॉन अब्राहम नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए जैकलिन फर्नांडिस ने लिखा, जैकलिन की फिल्म डिसुम के 3 साल पूरे होने पर उन्हें वीडियो शेयर किया है। हाल ही में जैकलिन का एक वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस वीडियो में जैकलिन फर्नांडिस बीट पर डांस करते हुए नजर आ रही थी। डिसो में जे 2016 इंडियन हिंदी लैंग्वेज बुडी को एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय रोहित धवन, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला एंड रिटन बाय रोहित धवन एंड तुषार हीरानंदिनी। द फिल्म स्टार जॉन अब्राहम और धवन एंड जैकलिन फर्नांडिस अलॉन्गसाइड अक्षय खन्ना एज द एनर्जी मार्किंग इज द कमबैक टू एक्टिंग आफ्टर 4 ईयर ब्रेक। डिसम रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन 29 जुलाई 2016। इट वॉज द कमर्शियली सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस अर्निंग मोर देन 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड। डायरेक्टेड बाय रोहित धवन, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला, रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले रोहित धवन, तुषार हीरानंदिनी, डायलॉग्स हुसैन दलाल, स्टारिंग जॉन अब्राहम, वरुण धवन, जैकलिन फर्नांडिस, अक्षय खन्ना, साकिब सलीम, म्यूजिक बाय प्रीतम एंड स्कोर अभिजीत वाघिनी, सिनेमेटोग्राफी बाय अन्यांका बस एंड एडिटिंग बाय रितेश सोनी, प्रोड्यूसर कंपनी नडियाड ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इरोज इंटरनेशनल। रिलीज डेट 29 जुलाई 2016। रनिंग टाइम 124 मिनट। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट ऑफ दिस फिल्म 45 करोड़ रुपीज एंड बॉक्स ऑफिस क्लब 150 करोड़ रुपीज। आई टॉक अबाउट प्लॉट ऑफ दिस फिल्म। ड्यूरिंग ए क्रिकेट टूर्नामेंट्स इन द मिडिल ईस्ट 24 आवर्स पीरियड टू द फाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया टॉप क्रिकेटर विराट शर्मा, साकिब सलीम गोन इन द मिसिंग इंडियन ऑथराइज्ड गेट द वीडियो टैप एंड अननोन मैन क्लेमिंग टू हैव द अडक्ट विराट स्टिल द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच टू डेज लेटर एंड रीडिंग देन टू नॉट द कैंसल द मैच अटेम्प्टिंग टू अवॉइड मीडिया आउटरेज द गायत्री शुभ मिश्रा मोना अभेस्कर टू द एक्सटर्नल अफेयर्स द मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंट्स स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर कबीर शेरगिल IPS जॉन अब्राहम UAE फॉर 36 आवर मैंथ आफ्टर बींग रिसीव्ड बाय द गेटिंग इन टू द सेमी सफल विद द लोकल ऑफिसर सजीद नावी तरुण खन्ना कबीर हुई सी द नो नॉन सेंस कप एंड बम्प इन टू द रोकी इन टू द इमारती पुलिस ऑफिसर जुनेद अंसारी वरुण धवन हु वॉज द नेवर बीन एबल टू सॉल्व टू द केस बट हैज टू द गुड नॉलेज ऑफ द टाउन which is acquired during the first incomplete case of the finding a dog named Brahman. Both Kabir and the Junaid start their investigation with the CCTV footage of the Biraj Hotel and find out that the night of the disappearance, Biraj went to the local girl Simlal Dalal, Nargis Fakhri, on conferring her the reveals that she took Biraj and friends but party is the left soon. Next, I talk about production. In the production, I talk about filming. The first schedule of the film started on June 27, 2015 at the Mehboob Studio. Varun Dhawan and Jacqueline Fernandez joined the set of the 4 July 2015. Abu Dhabi was the also filming. Location products include the offices Abu Dhabi. There, the diversity is the immersion 30% rebate seems. I talk about critical reviews on the review upgrade website. Rotten Tomatoes, the film was the rating of 56% based on the 9 review is the average 5.5 by 10 star. Now I talk about the soundtrack of this film. The music for this film is the composed by Pritham. The lyrics have been the penned by the Kumar Mayurpuri and Abhishek Pandit. The music rights have been the Acuity series. The full music album was the released on 15 July 2016. First song is the सौतरा के, लिरिक्स बाय कुमार आशीष पंडित, सिंगिंग बाय जोनिता गांधी अमित मिश्रा। लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3 मिनट 58 सेकंड। सेकंड सॉन्ग 3rd December, लिरिक्स बाय मयूरपुरी, सिंगिंग बाय रफ्तार सजीत मलयान एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 4 मिनट 3 सेकंड। द थर्ड सॉन्ग जाने मन आ वर्जन फर्स्ट, लिरिक्स बाय मयूरपुरी, सिंगिंग बाय अमन त्रिखा अंतरा मित्रा एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3 मिनट 50 सेकंड। द फोर्थ सॉन्ग सौतरा के इज द रिवाइस्टेड लिरिक्स बाय मयूरपुरी एंड सिंगिंग बाय अभिजीत स्वाद
आदित्य सिंह शर्मा एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3 मिनट 59 सेकंड। द फिफ्थ सॉन्ग जानेमन अवा वर्जन 2, लारिक्स बाय मयूर पुरी एंड सिंगिंग बाय नकास अचीज एंड अनंतरा मिश्रा। लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3 मिनट 50 सेकंड। द सिक्स सॉन्ग इसका लारिक्स बाय कुमार एंड सिंगिंग बाय अभिजीत स्वात एंड अंतरा मिश्रा। लेंथ ऑफ द सॉन्ग 2 मिनट 47 सेकंड। द सेवन सॉन्ग सुबह होने ना दे इन द रिमिक्स, लारिक्स बाय कुमार एंड सिंगिंग बाय मिका सिंह बोहेमिया सेफली अवार्स। द लेंथ ऑफ द सॉन्ग 4 मिनट 59 सेकंड। टोटल लेंथ ऑफ द सॉन्ग 27 मिनट एंड 40 सेकंड। डिसमी जे 2016 इंडियन हिंदी लैंग्वेज बुडी को एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय रोहित धवन, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला एंड रिटन बाय रोहित धवन एंड तुषार हीरानंदनी। द फिल्म स्टार्स जॉन अब्राहम और धवन एंड जैकलिन फर्नांडिस अलोंगसाइड अक्षय खन्ना एज द एनर्जी मार्किंग इज द कम बैक टू एक्टिंग आफ्टर 4 ईयर ब्रेक। डिसम रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन 29 जुलाई 2016। इट वॉज द कमर्शियली सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस अर्निंग मोर देन 150 करोड़ वर्ल्ड वाइज। डायरेक्टेड बाय रोहित धवन, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नडियाडवाला, रिटन बाय स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले रोहित धवन, तुषार हीरानंदनी, डायलॉग्स हुसैन दलाल, स्टारिंग जॉन अब्राहम और धवन, जैकलिन फर्नांडिस, अक्षय खन्ना, साकिब सलीम, म्यूजिक बाय प्रीतम एंड स्कोर अभिजीत वाघिनी, सिनेमेटोग्राफी बाय अन्यांका बैस एंड एडिटिंग बाय रितेश सोनी, प्रोड्यूसर कंपनी नडियाड ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इरोज इंटरनेशनल। रिलीज डेट 29 जुलाई 2016। रनिंग टाइम 124 मिनट। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट ऑफ दिस फिल्म 45 करोड़ रुपीज एंड बॉक्स ऑफिस क्लब 150 करोड़ रुपीज। आई टॉक अबाउट प्लॉट ऑफ दिस फिल्म। ड्यूरिंग ए क्रिकेट टूर्नामेंट्स इन द मिडिल ईस्ट 24 आवर्स पीरियड टू द फाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया टॉप क्रिकेटर विराट शर्मा, साकिब सलीम, गोन इन द मिसिंग इंडियन ऑथराइज्ड गेट द वीडियो टैप एंड अननोन मैन क्लेमिंग टू हैव द अडॉप्ट विराट टिल द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच टू डेज लेटर एंड रीडिंग देन टू नॉट द कैंसल द मैच अटेम्प्टिंग टू अवॉइड मीडिया आउटरेज। द गायत्री शुभ मिश्रा मोना अभेस्कर टू द एक्सटर्नल अफेयर्स द मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंड्स स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर कबीर शेरगिल IPS जोन अब्राहम UAE फॉर 36 आवर मंथ आफ्टर बींग रिसीव्ड बाय द गेटिंग इन टू द सेमी सफल विद द लोकल ऑफिसर सजीद नावी तरुण खन्ना कबीर हुई से द नो नॉन सेंस कप एंड बम्प इन टू द रोकी इन टू द इमारती पुलिस ऑफिसर जुनेद अंसारी वरुण धवन हु वॉज द नेवर बीन एबल टू सॉल्व टू द केस बट हैज टू द गुड नॉलेज ऑफ द टाउन विच इज द एक्वायर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट इनकम्प्लीट केस ऑफ द फिंडिंग ए डॉग नेम्ड ब्रह्माद। बोथ कबीर एंड द जुनेद स्टार्ट देयर इन्वेशन विद द CCTV फुटेज ऑफ द विराज होटल एंड फिंड आउट डेट द नाइट ऑफ द डिस्पेरेंस विराज वेंट टू द लोकल गर्ल सिमला दलाल नरगिस फाकरी ऑन कन्फरिंग हर द रिवर्स डेट सी टूक विराज एंड फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी इज द लिफ्ट सून। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट प्रोडक्शन। इन द प्रोडक्शन आई टॉक अबाउट फिल्मिंग। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फिल्म स्टार्टेड ऑन June 27, 2015 एट द महबूब स्टूडियो। वरुण धवन एंड जैकलिन फर्नांडिस ज्वाइन द सेट ऑफ द 4 जुलाई 2015। अबू धाबी वॉज द ऑल्सो फिल्मिंग लोकेशन प्रोडक्ट इंक्लूड द ऑफिस अबू धाबी देयर द डिबेट इज द इमर्शन 30% रिबेट सेम्स। टॉक अबाउट क्रिटिकल रिव्यूज। ऑन द रिव्यू अपग्रेड वेबसाइट रोटन टोमेटोज़ द फिल्म वॉज द रेटिंग ऑफ 56% बेस्ड ऑन द 9 रिव्यू इज द एवरेज 5.5/10 star। Now talk about the soundtrack of this film. The music for Disham is the composed by Pritam. The lyrics have been the penned by the Kumar Mayur Puri and Abhishek Pandit. The music rights have been the Acuity series. The full music album was the released on 15 July 2016. First song is the Sautra Ke
लिरिक्स बाय कुमार, आशीष पांडे, सिंगिंग बाय जोनिता गांधी, अमित मिश्रा, लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:58। सिकंड शाम 3rd December, लिरिक्स बाय मयूर पुरी, सिंगिंग बाय रफ्तार सजीत मलयान एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 4:03। द 3rd सॉन्ग जाने मन आ वर्जन 1st, लिरिक्स बाय मयूर पुरी, सिंगिंग बाय अमन त्रिखा अंतरा मित्रा एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:50। द 4th सॉन्ग सौतरा के इज द रिवाइस्टेड लिरिक्स बाय मयूर पुरी एंड सिंगिंग बाय अभिजीत स्वाद, आदित्य सिंह शर्मा एंड लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:59। द 5th सॉन्ग जाने मन अवा वर्जन 2, लिरिक्स बाय मयूर पुरी एंड सिंगिंग बाय नकाश अजीज एंड अनंतरा मिश्रा, लेंथ ऑफ द सॉन्ग 3:50। द 6th सॉन्ग इसका लिरिक्स बाय कुमार एंड सिंगिंग बाय अभिजीत स्वाद एंड अंतरा मिश्रा, लेंथ ऑफ द सॉन्ग 2:47। द 7th सॉन्ग सुबह होने ना दे इन द रिमिक्स, लिरिक्स बाय कुमार एंड सिंगिंग बाय मिका सिंह बोहेमिया सेफली अवार्स, द लेंथ ऑफ द सॉन्ग 4:59। टोटल लेंथ ऑफ द सॉन्ग 27:40। अगर क्रिकेट पर बनी फिल्मों की बात की जाए तो सिल्वर स्क्रीन पर ऐसी फिल्म वैसा जादू नहीं बिखर पाई जो असली मैदान में नज़र आता है। इमरान हाशमी स्टारर अजहर फ्लॉप रही, भले ही वह एक बायोपिक फिल्म रही हो, वही क्रिकेट थीम पर बनी दूसरे नामी स्टार की भी आधा दर्जन के करीब फिल्में भी कुछ खास नहीं कर पाई। शायद यही वजह है कि भारी बजट में बनी इस फिल्म में डायरेक्टर ने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग से लेकर करप्शन सहित ऐसे तमाम मसालों को फिट किया है जो बॉक्स ऑफिस पर इसे हिट कराने का दम रखते हैं। यह फिल्म जॉन अब्राहम के करियर के लिए भी खास थी। वेलकम बैक के बाद जॉन लंबे अरसे से एक अदद हिट को तरस रहे थे। वही करीब 4 साल पहले आई गली गली में चोर है कि नाकामी के बाद अब सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए अक्षय खन्ना भी डिसम से अपनी सेकंड इनिंग शुरू कर रहे थे। अक्षय खन्ना एक बार फिर खलनायक के किरदार में थे। इसमें इससे पहले वह हमराज में नेगेटिव किरदार निभा चुके थे। जहां तक डिसम की बात है तो UAE के शानदार लोकेशन हेलीकॉप्टर पर जॉन अब्राहम और वरुण धवन के साथ फिल्माए गए हैं। कई हैरतअंगेज एक्शन सीन इस फिल्म की USP है। परिणीति चोपड़ा अपना वजन घटाने के बाद इस फिल्म में वरुण के साथ डांस करती नजर तो आई थी, लेकिन उनकी एंट्री बेहद हल्की और कमज़ोर रही थी। चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है। UAE में भारतीय क्रिकेट टीम के नंबर 1 बैट्समैन विजय शर्मा यानी साकिब सलीम की किडनैपिंग हो जाती है। दिल्ली से स्पेशल टास्क फोर्स के जाबाज अफसर कबीर शेरगिल यानी जॉन अब्राहम को वहाँ विराज को किडनैपर से सुरक्षित रिहा कराने के सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है। UAE में कबीर वहां की पुलिस से ड्यूटी कर रहे जुनैद अंसारी यानी वरुण धवन को अपने साथ इस मिशन में शामिल करता है। UAE पुलिस के आला अफसरों की नज़र में जुनैद किसी काम का नहीं, लेकिन कबीर को पहली ही मुलाकात में लगता है कि जुनैद उसके लिए काम का आदमी हो सकता है, इसलिए वह उसे अपने इस सीक्रेट मिशन में शामिल कर लेता है। दरअसल कबीर विराज का पता लगाने के साथ साथ वहाँ 36 घंटे बाद होने वाले क्रिकेट मैच में शामिल फिक्सिंग गिरोह को भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। अबुधाबी में कबीर और जुनैद की मुलाकात इसका यानी जैकलिन फ्रांडिस से होती है जो मोबाइल उड़ाने वाले गिरोह से जुड़ी है। इसका को पूछताछ के लिए कबीर और जुनैद पुलिस कस्टडी में लेते हैं। कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इस केस में लगे कबीर पहले अल्ताफ यानी राहुल दो और इसके बाद केस की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते राहुल यानी अक्षय खन्ना तक पहुंचते हैं। चलिए बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। अक्षय खन्ना कई साल बाद इस फिल्म में नज़र आए और अपने जीवंत अभिनय से छा गए। वही जॉन अब्राहम और वरुण धवन के इर्द गिर्द घूमती कहानी में जॉन एक्शन सीन में वरुण पर भारी नज़र आए। वरुण धवन पहले भी ऐसे कई सीन निभा चुके थे, फर्क बस इतना था इस बार वह पुलिस वाले बनकर सामने आए थे, वरना उनकी एक्टिंग में नया कुछ नहीं था। कहानी में जैकलिन के किरदार के लिए कुछ खास नहीं है। वही अक्षय कुमार ने अपने दोस्त जॉन अब्राहम की खातिर इस फिल्म में चंद मिनट का कैमियो किया है। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन की। रोहित धवन को इस फिल्म के लिए कमजोर स्क्रिप्ट मिली। ऐसा लगता है कि डिसम के स्क्रिप्ट राइटर यशराज बैनर की धूम के जादू में उलझे रहे और किरदारों व स्क्रिप्ट को दमदार बनाने पर ध्यान नहीं दे पाए। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों देखें।
जॉन अब्राहम पर फिल्माए गए एक्शन और स्टंट सीन्स, वरुण धवन की मस्ती, जैकलिन और नरगिस फाकरे की खूबसूरत अदाओं के साथ साथ अक्षय खन्ना का दमदार कमबैक फिल्म की यूएसपी है। कहानी में नयापन नहीं है। इस फिल्म का बैनर है नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट इरोज इंटरनेशनल। इसके निर्माता हैं साजिद नडियाडवाला, सुनील एलुल्ला। इसके निर्देशक हैं रोहित धवन, जोनर एक्शन। और संगीतकार हैं इसमें प्रीतम चक्रवर्ती। इसमें गीतकार हैं जोनिता गांधी, अमित मिश्रा, रफ्तार, शाहिद माल्या, अंतरा मित्र, अमन त्रिखा, अभिजीत संवाद, अदित सिंह शर्मा, नकश अजीजा, मिका सिंह, सैफ अली अलसरेज। बतौर निर्देशक रोहित धवन की बी टाउन इंडस्ट्री में यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले रोहित ने देसी बॉयज का निर्देशन किया था जो बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। जहां तक उनकी डिसम का सवाल है तो इस फिल्म में उन्होंने एक्शन का धमाकेदार तड़का लगाने की पूरी कोशिश की थी और उन्हें भरोसा था कि यह फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी। कहानी 2 घंटे 4 मिनट की फिल्म की कहानी एक स्टेडियम से शुरू होती है जहां इंडिया का बेस्ट क्रिकेटर विराट शर्मा यानी साकिब सलीम अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से हारा हुआ मैच जीत जाता है। वह इंडिया का स्टारर बल्लेबाज होता है और अगले 36 घंटे में इंडिया का फाइनल मैच पाकिस्तान से होता है। फिर अचानक वह अपने रूम से लापता हो जाता है। इसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड समेत भारत सरकार सभी टेंशन में आ जाते हैं। फिर एक सरफिरे का वीडियो सामने आता है जिसमें वह फाइनल मैच कैंसिल ना करने की चेतावनी देता है और भारत सरकार को धमकी देता है कि अगर इंडिया पाक का फाइनल मैच रद्द हुआ तो वह विराज को मार देगा। अब भारत सरकार विराज को ढूंढने के लिए इस टास्क फोर्स के होनहार अफसर कबीर यानी जॉन अब्राहम को सऊदी भेजती है। वहाँ का कानून अलग होता है लेकिन कबीर अपनी ही स्टाइल में अपने केस को हैंडल करना चाहता है। इसके लिए वह वहाँ की पुलिस में नया ज्वाइन हुआ जुनैद यानी वरुण धवन का साथ लेता है। अब विराज को ढूंढने के लिए इनके पास सिर्फ 36 घंटे ही होते हैं। फिर सैम यानी अक्षय कुमार की मदद से कबीर और जुनैद एक जगह पहुँचते हैं। वह उन्हें मोबाइल चोर इसका यानी जैकलिन फर्नांडीज मिलती है। इसका की मदद से फिर दोनों उस सरफिरे को ढूंढ निकालते हैं। इसके बाद पता चलता है कि वह सिर्फ एक एक्टर है ना कि किडनैपर। रहस्य और गहरा हो जाता है कि आखिर असली किडनैपर कौन है। इसी के साथ फिल्म दिलचस्प मोड़ लेते हुए कहानी आगे बढ़ती है और कबीर जुनैद असली किडनैपर को ढूंढ लेता है। वरुण धवन और जॉन अब्राहम ने अपनी अपनी भूमिकाओं को बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से निभाया है। साथ ही दोनों एक दूसरे का गजब साथ देते हुए दिखाई दिए हैं। जैकलिन फर्नांडीज अपने किरदार में गजब दिखाई दी है। वह एक मोबाइल चोर के रूप में फिर दिखी। अक्षय खन्ना और राहुल देव ने अभिनय में निखार लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है जिसमें अक्षय वाघा के रोल में कई मायनों में सटीक दिखाई दिए। मोहिंदर अमरनाथ व विजय राज भी अपने अपने किरदार में ठीक ही रहे। साकिब सलीम ने विराज का रोल बखूबी निभाया है। इसके अलावा नरगिस फाकरे और अक्षय कुमार अपने कुछ देर की भूमिका में ही अपने अलग अंदाज में दिखाई दिए। साथ ही जीरो फिगर में परिणीति चोपड़ा का आइटम नंबर भी बेहतर रहा। चलिए बात करते हैं निर्देशन की। रोहित धवन ने इस फिल्म में अपने अंदाज में एक्शन को परोसने का हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने इस एक्शन फिल्म के निर्देशन की कमान बखूबी संभाली थी। उन्होंने फिल्म में एक्शन का धमाकेदार तड़का तो जरूर लगाया था लेकिन कहीं कहीं वे थोड़ा और भी बेहतर कर सकते थे। एक्शन के मामले में तो रोहित ने वाकई में कुछ अलग कर दिखाने की कोशिश की थी जिसकी वजह से वे ऑडियंस की वाहवाही लूटने में कुछ हद तक सफल रहे थे। फिल्म की शुरुआत तो अच्छी रही लेकिन इंटरवल तक आते आते ऑडियंस थोड़ी बोर होती दिखाई दी थी। सेकंड हाफ में भी फिल्म की कहानी अपने पद से इधर उधर डगमगाती नजर आई थी। बहरहाल तो मुन्ना भाई होगा लेकिन मैं सिरकट नहीं, थकना मरने से बेहतर है। मैं कुछ एक डायलॉग सही रहे लेकिन एक टेक्नोलॉजी और सिनेमेटोग्राफी की बात छोड़ दी जाए तो इस फिल्म की कमर्शियल में कुछ नया कर दिखाने की कमी सी महसूस हुई थी। वो जिस तरह के संगीत के लिए जाने जाते हैं वह डिसम में कहीं नज़र नहीं आया। एक दो गीत छोड़कर सभी गानों में कोई असर नहीं है। चलिए बात करते हैं आप इसे क्यों देख सकते हैं। वरुण धवन, जॉन अब्राहम और जैकलिन फर्नांडीज के अभिनय से सजी फिल्म डिसम शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसे एक मसाला फिल्म कहा जा सकता था। इसमें बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और आइटम नंबर का जबरदस्त तड़का लगाया गया था। रोहित धवन के
निर्देशन में बनिया दूसरी फिल्म है। इससे पहले वह देसी बॉयज भी बना चुके थे। यह फिल्म पिछले काफ़ी वक्त से चर्चा में थी, इसकी वजह से अक्षय खन्ना का 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करना था। अक्षय कुमार का फिल्म में कैमियो और परिणीति चोपड़ा का आइटम नंबर इसमें था। कहानी, फिल्म की कहानी अगवा किए गए शख्स विराज सरमैनी शकीब सलीम के इर्द गिर्द घूमती है। विराज टॉप इंडियन बैट्समैन है जिसका ऑडियंस पाकिस्तान के मैच के से ठीक पहले किडनैप हो जाता है। इसके बाद उन्हें ढूंढने की जिम्मेदारी दो पुलिस ऑफिसर कबीर शेरगिल यानी जॉन अब्राहम और जुनेद अंसारी यानी वरुण धवन को दी जाती है। इन दोनों के पास विराज को ढूंढने के लिए केवल 36 घंटे का ही वक्त होता है। विराज की तलाश में फिल्म की कहानी कई दिलचस्प मोड़ के साथ आगे बढ़ती है। इस बीच यह जानना काफ़ी रोचक हो जाता है कि